بسم الله الرحمن الرحيم الذين يوفون بعهد الله ولا والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار صدق الله العظيم.
मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मर्दूद से। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वो लोग जो अल्लाह से किए हुए अहद को पूरा करते हैं और मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं करते, और जिन रिश्तों को अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है ये लोग उन्हें जोड़े रखते हैं और अपने परवरदिगार से डरते हैं और हिसाब के बुरे अंजाम से खौफ खाते हैं। और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब के खुशनूदों की खातिर सब्र से काम लिया और नमाज कायम की, और हमने उन्हें जो रिस्क अता किया उसमें से पोशीदा और ऐलानिया खर्च किया और बुराई का बदला भलाई से देते हैं। इन्हीं लोगों के लिए अंजाम का घर होगा हमेशा रहने के बागात, जिनमें ये खुद भी दाखिल होंगे और उनके वालिदैन, बीवियों और औलाद में से जो नेक होंगे वो भी, और फरिश्ते उन पर हर दरवाजे से दाखिल होंगे ये कहते हुए कि सलाम हो तुम पर तुम्हारे सब्र करने पर, सो क्या ही खूब है आखिरत का घर। व आखिर दावाना अनिल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, मैं मुरीद खैर अनाम हूँ, मैं मुरीद खैर अनाम हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम। मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो रसूल से, मुझे इश्क उनकी गली से है, मुझे चमन चमन से है, मुझे इश्क है तो हसन हसन से है, मुझे इश्क है तो बतूल से, मुझे इश्क है तो हसन हसन से है, मुझे इश्क है तो हुसैन से, मुझे इश्क शाह जबर से है, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, मुझे तेरे का गुलाम हूँ। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। हुआ कैसे से तन से वो सजदा, जहाँ इश्क हो Oh।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام دیکھنے والوں کو سید فرحان علی وارث کی جانب سے سلام پہنچے ایکسپریس ٹی وی کی خصوصی افطاری نشریات آپ دیکھ رہے ہیں پیارا رمضان آج چوتھا رمضان ہے دیکھتے ہی دیکھتے چار دن کیسے گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا ये जो हम कहते हैं ना कि पता ही नहीं चला ये दिन कैसे गुजर गए कभी कभी मैं सोचता हूं कि दौर कितना तब्दील हो गया है पहले का दौर और अब का दौर कितना तब्दील हो गया वक्त कितनी जल्दी बदल गया है अगर आप कुछ साल पीछे ही चले जाएं तो रिश्तों की कितनी कद्र हुआ करती थी लेकिन आज जमाना सो कॉल्ड तरक्की कर गया है तो तरक्की करने के साथ साथ रिश्तों की कद्र को भी भूल गया है तो ये तरक्की नहीं इसको जवाल कहते हैं तरक्की वो होती है जहां रिश्तों की मजबूती और बढ़ जाए आप गौर करें कि हमारे ही बचपन में बहुत दूर की बात नहीं है जो हमारी और आपकी एज के लोग हैं उन्हीं की बात कर लें और उससे पहले तो और गोल्डन टाइम था हमारे जो रिश्ते होते हैं ना दादा दादी नाना नानी माँ बाप बहन भाई खाला खालू पुप्पा पुप्पी चाचा चाची ताया ताई ये सारे रिश्ते बड़े मजबूत हुआ करते थे अब हम अगर बुजुर्गों की तरफ ही आ जाएं नाना नानी दादा दादी तो पहले के दौर में एक रौनक हुआ करती थी कोई भी बात होती थी तो अपने बुजुर्गों से पहले पूछते थे क्योंकि उनका तजुर्बा हमसे कई ज्यादा होता था लेकिन आज के दौर में अब आप देखें कि घर में जो बुजुर्ग है ना नाना नानी दादा दादी वो ऐसे ऐसे घर पे रहते हैं इसलिए रहते हैं कि वो जिंदा हैं एक माजल्ला सुम्मा माजल्ला उनकी हैसियत एक फर्नीचर से ज्यादा नहीं रह गई है जैसे एक फर्नीचर एक जगह पड़ा रहता है ना वो भी बेचारे पड़े रहते हैं हालांकि उनका तजुर्बा हमसे कई ज्यादा है उनके पास वो क्योंकि वो रिटायर्ड होते हैं ज़ाहिर है दादा दादी दादा और नाना जो जॉब करते थे या काम करते थे अब वो रिटायर हो चुके हैं नाना नानी और दादी जो घर के कामों में मसरूफ होती थी अब वो आराम कर रही होती है लेकिन उनके पास वो चीज़ होती है जो शायद हमारे माँ बाप के पास भी इस दौर में क्योंकि वो किसी और जिम्मेदारियों में मसरूफ़ हैं इसलिए नहीं होती क्या होती है वो वक्त यानी जितना वक्त क्योंकि माँ बाप ज़ाहिर है हमारे जो वालिद हैं वो ज़ाहिर है ऑफिस जाते हैं काम करते हैं बच्चों की रोज़गार के लिए हमारे रोज़गार के लिए मेहनत करते हैं इसलिए उनके पास वो वक्त नहीं होता जब वापस आते हैं तो वक्त देते हैं माँ जो होती है वो घर के कामों में मसरूफ होती है जब वक्त होता है तो वक्त देती है लेकिन नाना नानी दादा दादी वो ऐसी हस्तियां होते हैं कि जिनके पास बहुत वक्त होता है जो हमारी हर बात सुन सकते हैं और वो चाहते हैं उनसे कोई बात करे वो चाहते हैं कि उनके पास कोई बैठे बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह
मेरा मामूल तो ये रहता है और आप में से बहुत सारे लोगों का ये मामूल, बल्कि ज़्यादातर लोगों का मामूल ये रहता होगा कि जब भी मैं घर आता हूँ तो सबसे पहले अपने माँ बाप के पास थोड़ा वक्त गुजारता हूँ, और फिर भी उनके उनका हक नहीं अदा हो सकता, लेकिन वो माँ बाप जो दिन भर आपका इंतज़ार करते हैं या कुछ दिन बाद आप आते तो इंतज़ार करते हैं, थोड़ा वक्त उनको देना चाहिए, जो आज के दौर में हम में से बहुत सारे लोग नहीं दे रहे होते। इस माशरे में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि बस ठीक है, बस अपने काम में मसरूफ है। लेकिन एक बात बताऊं, जब अल्लाह ना करे हम पर कभी कोई ऐसा सख्त वक्त पड़ता है, ऐसी मुश्किल पड़ती है, तो घर के बुजुर्ग हैं ना, यही हमें उस मुश्किल से निकालते हैं, क्योंकि इनके पास वो तजुर्बा होता है, इनके पास वो प्यार होता है। वो नानी दादी जो बैठकर कहानियां सुनाती हैं, वो कहानियां जो हमारी दादी हमें सुनाती थी वो हमें आज तक याद हैं। फिर वो अपने पॉकेट मनी मिलने के बाद दादी से और नानी से छुप छुप कर पैसे लेना, और दादी और नानी किसी ना किसी बहाने से हमें कोई कुरान की आयत सुना दो, कोई कलाम सुना दो, ये कहकर बहाने बहाने से हमें पैसे देती थी। इस प्यार को हम क्यों भूलते जा रहे हैं? ये आज की जो नस्ल है ना, उसका कसूर नहीं, हमें चाहिए कि हमें बताना चाहिए कि हम अपने नाना नानी दादा दादी के साथ कैसे रहते थे, ताकि हमारे बच्चे अपने नाना नानी दादा दादी के साथ वैसे वक्त गुजारें। अब आइए माँ बाप की तरफ। माँ बाप पाल पोस कर हमें बड़ा कर देते हैं। कितनी मेहनत करता है वो बाप जो वक्त की मंडी में सस्ते दाम बिक जाता है, जो अपनी उम्र की जवानी का एक खास हिस्सा हमारे लिए कुर्बान कर देता है। वो माँ जो आपके उठने से पहले उठती है और आपके सोने के बाद सोती है, हल्की सी खांसी भी आ जाए ना तो माँ तड़प कर रह जाती है। वो बोलती है कि वो पहले खुद नहीं खाती, पहले बच्चों को खिलाती, पहले खुद अपने लिए लिबास नहीं खरीदती ना बच्चों के लिए खरीदती। मां भूखी रह सकती है, बच्चों को भूखा नहीं रख सकती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, किसी शख्स ने जब पूछा, या रसूलुल्लाह मैं अपनी वालदा को अपने कांधे पर बिठाकर हज कराऊं तो क्या मां का हक अदा हो जाएगा? तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तू उस वक्त ये अमल करके कांधे पर बिठाकर अपनी माँ को हज कराएगा तो तू उस एक लम्हे का भी हक अदा नहीं कर सकता जो माँ ने अपने शिकम में तुझे रखकर तकलीफ बर्दाश्त की थी। उस एक लम्हे का हक नहीं अदा कर सकता। बैठे हैं, सवाल करते हैं, बाबा ये क्या है, अम्मी ये क्या है, अब्बू ये क्या है, जवाब दे देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद फिर पूछते हैं ये क्या है, वो फिर जवाब दे देते हैं, मुस्कुराकर जवाब देते हैं। फिर पूछते हैं ये क्या है, एक ही चीज को बार बार पूछते हैं बचपन में, और वो कहते हैं बेटा ये है। उनको खुशी होती है मेरा बच्चा बोल रहा है। अफसोस जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो वो भी बचपन की तरह ही होते हैं, वो भी उसी तरह भूल जाते हैं यार, ऐसे आप और हम भूलते हैं। वो क्या करते हैं, बेटा ये सामने देखना क्या चीज है, हम बता देते हैं बाबा ये कबूतर बैठा। थोड़ी देर बाद फिर वो बोलते हैं बेटा ये क्या था जरा बताना। अब वो कबूतर था, अम्मा कबूतर था। फिर थोड़ी देर बाद वो बेटा उसको जरा हटा देना, वो क्या चीज। तो हम क्या कहते हैं, चिड़ के कहते हैं कि अभी बताया तो है आपको कि वो कबूतर था, बताया कबूतर है, आपको नजर नहीं आ रहा। ये लहजा होता है, नहीं होता बहुत सारे लोग। सोचो उस वक्त जब माँ बाप हमें सिखाते थे, हमें बताते थे, कितनी बार हमारे सवालों का जवाब देते थे, वो चिढ़ते नहीं थे। जैसा प्यार जैसी मोहब्बत आप चाहते हैं वैसे ही माँ बाप आपके आपसे चाहते हैं। हाँ, कहते हैं कि मसरूफ हैं जिंदगी में, माँ बाप को ओल्ड हाउस में छोड़ दिया हमने, हम उनको उनकी फीस भी देते हैं ओल्ड हाउस की, उनको डोनेशन भी देते हैं। हाँ, कभी सोचा है कि इस घर को बनाने में माँ बाप ने कितनी मेहनत और कुर्बानियां दी। बच्चे बड़े होते हैं तो उन्हीं माँ बाप को घर से निकाल देते कि हमें आपकी जरूरत नहीं है।
इन्हीं हाथों से उस माँ ने घर को सजाया था। बाप ने मेहनत मजदूरी करके घर को आबाद किया था। और मिसाल देते हैं कि भाई तरक्की याफ्ता दौर है, बाहर ममालिक में लोग ओल्ड हाउस में रहते हैं। मैं आपको बताऊं, बाहर ममालिक का जो कल्चर है ना, उस कल्चर में यह है कि वो लोग इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं खुद से। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, मैं सही भी हो सकता हूँ, गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैंने जो महसूस किया है वहाँ के बुजुर्ग लोगों से मिलके, तो कहते हैं आई एम हैप्पी, मेरी जिम्मेदारियाँ खत्म हो गई, मेरे बच्चे बड़े हो गए, मैं सुकून से रह रहा हूँ, क्योंकि वो शुरू से ऐसे रहते हैं। हमारा माशरा ऐसा नहीं है, हम एक दूसरे से जुड़े रहने वाले लोग हैं भाई। तरक्की करो, अपनी सखावत को तो ना भूलो, अपने कल्चर को ना भूलो। थोड़ी देर के लिए महसूस करें, यही वक्त आए ना, जब ये वक्त घूम कर आता है, ये सर्कल बनकर आता है, ये साइकिल है, ऐसे जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा। मैंने अपनी इन आंखों से ऐसे लोगों को देखा है कि जो अपने माँ बाप की बेएहतरामी करते थे, आज उनकी औलाद भी उनको यही कहती है कि आप भी तो यही करते थे, आपने भी तो अपने माँ बाप के साथ यही किया था। कोई जवाब नहीं होता। और उस वक्त अपना गम बयान करने के लिए, रोने के लिए माँ बाप के कांधे माँ की आगोश नहीं होती, क्योंकि माँ दुनिया से जा चुकी होती है, बाप दुनिया से जा चुका होता है। फिर क्या फायदा माँ बाप की कब्र पे जाकर रोने का, कि जब वो जिंदा थे तो उनका ख्याल नहीं रखा। अपने माँ बाप का एहतराम कीजिए। ये हस्तियां अगर एक बार चली गई ना, तो फिर कभी नहीं आएगी, कभी नहीं। रिश्ते बहन भाइयों के भी हैं। एक भाई दूसरे भाई के दस्त गिरबान हो जाता है जायदाद के चक्कर में, और बहन तो बेचारी मजलूम है। जैसे ही बाप का इंतकाल हुआ, भाई बहनों की विरासत पे कब्जा कर लेते हैं, और अक्सर बहनें तो ये कहती हैं कि भाई लड़ो नहीं, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए ही नहीं। वो कहती है मैं हूं कहां, मैं जब पैदा होती हूँ, बड़ी होती हूँ, मुझे बता दिया जाता है बेटा तुम पराई माना तो शादी होकर दूसरे घर चली जाओगी। वहाँ पहुँचती हूँ तो वो ये कहते हैं कि ये तुम्हारा ससुराल है, ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम अपने मैके से ये लाइए। वहाँ भी वो पराई है। शादी हो जाती है, बेटों की बेटियाँ तो दूसरे घर चली जाती हैं। जब बेटों की शादी होती है, बहू अच्छी आए तो बिस्मिल्लाह क्या बात, और बहू अच्छी ना आए तो कहती है भाई या तो हम अलग होंगे या माँ को अलग कर दो, बाप को अलग कर दो। ये रिश्ते बड़े मजबूत रिश्ते होते हैं, कोशिश करें इनको संभाल के रखें। सिला रहमी करेंगे तो रिस्क में भी इजाफा होगा, सिला रहमी करेंगे तो बरकतें होंगी। रिश्ते दोस्तों के साथ भी निभाए जाते हैं, रिश्ते रिश्तेदारों के साथ भी निभाए जाते हैं। वक्त नहीं है हमारे पास, और अफसोस ये है कि हमारी ट्रांसमिशन में भी इतना वक्त नहीं है कि मैं ज़्यादा बात आपसे कर सकूं, क्योंकि हमें आगे सेगमेंट करने हैं, क्योंकि ये मेरे पास बहुत कुछ है ये बोलने के लिए इस मौजू पर, मगर यहाँ भी हमारे पास वक्त नहीं है। लेकिन हम कोशिश करेंगे इस ट्रांसमिशन में इस मौजू पर आगे बात करते रहें। देखते रहिए प्यारा रमज़ान आते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्यारा रमज़ान, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। नाज़रीन, अब वक्त हुआ है हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट को बुलाने का। आज के हमारे जो मेहमान हैं उनके बारे में बताता चलूं कि इस्लामाबाद में पैदा हुए, और उसके बाद जैसे जैसे बड़े हुए वैसे वैसे पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहे।
बहुत सारी सलाहियतों में इनको माना जाता है, बहुत टैलेंटेड एक्टर है। और सिर्फ एक्टर ही नहीं बल्कि बड़े बड़े अच्छे डायरेक्टर भी हैं, बड़े अच्छे राइटर भी हैं। कॉमेडी रोल हो या सीरियस रोल हो, अपना बेहतरीन किरदार अदा करते हैं और बहुत सारे अवार्ड शो में बतौर होस्ट भी अपना किरदार अदा कर चुके हैं। और इसके साथ साथ दो टोक बात करने में बहुत ज़्यादा इनको पसंद किया जाता है कि जो बात ये करते हैं खरी बात करते हैं और जो सामने देख रहे होते हैं बस वो कह देते हैं, फिर ये नहीं सोचते कि अगला बंदा जो है वो इस बात को समझे ना समझे, लेकिन जो बात सच है जो सामने नज़र आ रही है वो मुझे कहनी है, क्योंकि मुझे लोगों को नहीं बल्कि अल्लाह को जवाब देना है। बहुत सारी बातें इनकी ऐसी हैं कि जो आप सोशल मीडिया पे देखते हैं कि जो चीज़ माशरे में हो रही है, जो गलत हो रहा है उसको गलत बोल रहे होते हैं और जो सही हो रहा होता है उसको सही भी बोलते हैं। और आज हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा है, हमारे लिए ऑनर की बात है, हमारे मेहमान आज जो तशरीफ़ लाएँ उनका मैं तारुफ कराता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब यासिर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? बहुत 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 शुक्रिया आपका, आइए तशरीफ लाइए। रमज़ान मुबारक हो और आपको जुम्मा भी मुबारक हो, और आप माशाल्लाह आज वाइट ड्रेस में बहुत अच्छे लग रहे हैं हमेशा की तरह माशाल्लाह। कैसे कैसा रहा रमज़ान आपका, गुजर रहा है माशाल्लाह? बेहतरीन, आप बताइए। शुक्र अल्लाह, बड़ा अच्छा शो चल रहा है आपका और बड़े अच्छे लग रहे हैं, आपकी बातें बहुत अच्छी हैं, लोग बहुत पसंद करते हैं आपको। बहुत शुक्रिया आपका, आपको भी हम सुनते रहते हैं आपकी बातें, बल्कि मैं समझे ह्यूमर को बड़ा लाइक करता हूँ और आपके जो ह्यूमर्स हैं वो बड़े मज़ेदार होते हैं और बड़े नेचुरल होते हैं। और इसके अलावा ज़ाहिर है जो आपकी एक्टिंग है, और इसके अलावा थिएटर में जो आपने काम किया, इसके और जो आप राइटिंग करते हैं, हमारे लिए तो खुशकिस्मती की बात है कि आपसे आज मुलाकात हो रही है एज़ अ मेज़बान और एज़ अ मेहमान, वरना कई जगह पर एज़ अ मेहमान हम लोग मिले। यासिर भाई, आज का हमारा बेसिकली जो मौजू है वो मौजू हमने रखा है सिला रहमी, यानी हम अपने रिश्तों की कदर को भूल चुके हैं। और ये आज का टॉपिक रखा भी इसीलिए कि आप भी जो हम सोशल मीडिया पे क्लिप देखते हैं और लोग उसको पसंद भी करते हैं कि माशरे में जो चीज़ गलत हो रही होती है उसको आप बोलते हैं बगैर किसी से डरे हुए, और बोलना भी चाहिए। जैसे आज हमने इंट्रो में यही बात कही कि सिला रहमी, यानी हम अपने वो रिश्तों के कदर को भूल चुके हैं, नाना नानी दादा दादी, वो एक प्यारा सा माहौल होता था, अब उनको हमने फर्नीचर की तरह रखा छोड़ दिया, माँ बाप को वो एहतराम नहीं देते, ओल्ड हाउस में छोड़ देते। आप क्या समझते हैं इसको तरक्की कहते हैं या जवाल कहेंगे इसको? देखिए, एक राइटर ने बड़ी अच्छी बात कही थी, मुझे नाम भूल गया उनका, उन्होंने कहा था कि जिस शख्स को अपने दादा दादी या नाना नानी के बारे में नहीं पता होता वो एक बोतल में लगी मनी प्लांट की तरह होता है। हाँ, उसकी जड़ें कहीं नहीं होती, पानी में लटक रही होती हैं। वाह, और यही सच है। यही रिश्ते होते हैं जो घर बनाते हैं आपका, अगर आप फैमिली से ही नहीं जुड़े, अपने रिश्तों से ही नहीं जुड़े, और इन रिश्तों के अलावा जो खून के रिश्ते होते हैं उनके अलावा बड़े रिश्ते हैं जिनको लोग अब बिल्कुल ही बहुत ईजी लेते हैं, जैसे दोस्ती का रिश्ता है या पड़ोसी से एक ताल्लुक़ है, इनको भी बहुत, जैसे कराची में अगर हम रहते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे अपने पड़ोस का किसी को इल्म ही नहीं पता कि कौन रहता है साथ। बिल्कुल सही है, मैंने अक्सर देखा है कि लोगों के घरों में कभी खुदा ना खास्ता कोई मौत मैयत हो जाती है तो उस दिन उस गली के लोग आपस में अगर निकल के लगा हुआ हो, दरियां बिछी हुई हो तो जी, तो उस दिन पता चलता है कि अच्छा ये हमारे पड़ोसी हैं या ये रहते हैं इस घर में, तो इतना ज़्यादा लातअल्लुकी हो गई है क्योंकि लोगों ने अपनी एक छोटी छोटी कम्युनिटीज़ बनाई हुई हैं, वो वहीं जाके आपस में मिलते हैं और वापस फिर जहाँ रहते हैं वहाँ आ जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रिश्ते हैं जो अब बिल्कुल ही वो नापैद होते जा रहे हैं वक्त के साथ। बल्कि ये दोस्ती का रिश्ता, तो इस पर मुझे मौला अली अलैहि सलाम का कॉल याद आता है कि मौला अली अलैहि सलाम फरमाते हैं एक तो रिश्ता एक हमारा खूनी रिश्ता होता है, ये तो उस तरह होता है कि ये अगर इसमें दरार आ जाए तो दोबारा मिल जाता है। दोस्ती का रिश्ता ऐसा होता है जैसे शीशे में बाल आ जाए तो फिर वो बाल जुड़ता नहीं है, वो बाल बाल रहता है। तो कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि जो खून के रिश्ते के अलावा भी बड़े मजबूत होते हैं। यासिर भाई, लोग ये कहते हैं, यानी सो कॉल्ड की तरक्की हो गई है कि हम वेस्ट को देखकर ये अंदाज़ा लगाते हैं कि वेस्ट में ये हो रहा है अब हमारे यहाँ भी ये होने लगा है तो तरक्की हो रही है। वेस्ट में
लोग अपने माँ बाप को ओल्ड हाउस में छोड़ देते हैं, हम उसी को सामने रखते हैं, हम कहते हैं यार हमारे मुल्क में भी ओल्ड हाउस बन गए, हमने तरक्की कर ली। मैंने अभी एक बात इंट्रो में कही थी, क्या आप भी वो समझते हैं? इससे अगर इख्तलाफ भी करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मैंने जो पाकिस्तान से बाहर वेस्ट में जाकर ऑब्जर्व किया लोगों से, और मैं सही भी हो सकता हूँ गलत भी, मेरी ऑब्जर्वेशन, मैंने ये देखा कि जो बुज़ुर्ग थे ना उनसे मैंने पूछा कि आपका दिल नहीं चाहता कि आप अपने बच्चों के साथ रहें, तो कहते नो आई एम हैप्पी, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, अब मैं अकेला रहना चाहता हूँ। तो ये उनके कल्चर का हिस्सा है। बिल्कुल, तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए कहीं ना कहीं हमारा मज़हब भी अगर देखा जाए, मुझे बहुत ज़्यादा इल्म नहीं है इस बात का, लेकिन मैंने सुना ही है ये बात कि जब किसी बच्चे की शादी हो जाती है तो वो अलग रह सकता है, उसमें कोई ऐसा मुजायका नहीं है। नहीं, अलग रहना फिजिकली अलग होता है, एक होता है कि ताल्लुक खत्म कर देना। हाँ नहीं, ताल्लुक गोरा भी खत्म नहीं करता। हमने ना वेस्ट के बारे में बहुत सारी मिसकंसेप्शन है, हमें ऐसा लगता है कि जो उन्होंने अपनी फिल्मों में वो दिखाते हैं वहाँ बस वही होता है, ऐसा नहीं है जी। जैसे थाईलैंड के बारे में एक परसेप्शन है लोगों की कि वो इस तरह की जगह है, वहाँ बड़े गांव देहात हैं, वहाँ पे बड़े रिलीजियस लोग रहते हैं, जो बुद्धिस्ट लोग हैं बड़े रिलीजियस हैं, वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी इतनी रिलीजियस है कि एक दो वहाँ पे ऐसी जगहें हैं, ऐसे शहर हैं जहाँ पे कोई खातून आपको अबाये के बगैर नज़र नहीं आएगी, क्योंकि थाईलैंड ही है। तो बहुत सारी जगहों के बारे में ना जो उनका एक फेस है उससे ही हम बस अखज़ कर लेते हैं जो भी हमने करना होता है। अमरीका की अगर हम बात करें तो वहाँ पे सारे लोग ऐसे नहीं होते, फैमिली सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है उनका। मैं एक डोमेस्टिक फ्लाइट में जा रहा था तो मेरे बराबर में एक बुज़ुर्ग खातून बैठी थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रही हैं, वो खुश नज़र आ रही हैं, तो उन्होंने अपनी खुशी का इजहार किया, शायद कोई इवेंट उनका ऐसा था। उन्होंने कहा हमारा ये साल का एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें हम अपने बच्चों से और अपने माँ बाप से जाकर मिलते हैं, तो उनके यहाँ भी एक त्यौहार होता है। लेकिन हमारे यहाँ अफसोस ये कि, यानी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत सारे केसेस आपने भी देखे होंगे सोशल मीडिया पर भी, कि बेटे ने माँ को निकाल दिया या बाप को निकाल दिया लड़ झगड़ के। एक होता है ना कि भाई घर में हम अलग रहना चाहते हैं लेकिन हम रोज़ माँ बाप के पास आएंगे या हफ्ते में एक बार आएंगे या महीने में दो बार आएंगे, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त की कि जो कता ताल्लुक ही कर लेते हैं माँ बाप से, बहन भाइयों से। हाँ ये बात मुझे भी थोड़ी नहीं समझ आती, कता ताल्लुक ही जो है उससे तो मना किया गया है, मुसलमान मुसलमान से कता ताल्लुक ही ना करे, और रिश्तेदारों में तो ये बहुत ज़्यादा बहुत कॉमन हो गया कि वो कहते हैं जी मरना जीना खत्म हो गया हमारा। हाँ। लेकिन वो मरने पे आ जरूर जाते हैं। हाँ, कह देते हैं कि वो मेरे ख्याल में जीना खत्म कर देते हैं, सही मरना रखते हैं फिर भी। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा। हाँ, ये एक अजीब सी एक बात है। बाकी मैं वो वेस्ट की अगर बात करें तो वहाँ पे इस तरह के बहुत सारे त्यौहार हैं जिनमें वो आपस में मिलते हैं, खाना इकट्ठे खाते हैं, और मुझे वो लोग जो वहाँ के नॉर्मल गोरे आपको नजर आएंगे वो बहुत ज्यादा फैमिली वैल्यूज को लेके चलते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बस थोड़ा तरीकेकार मुख्तलिफ है लेकिन फैमिली वैल्यूज सबका मुख्तलिफ है। अच्छा, अच्छे और बुरे लोग तो सब जगह हैं। अच्छा, आपको एक और मैं माजर चाहता हूँ, मैं देर हो गई, ताखिर हो गई मुबारकबाद देने में, आपका बेटा माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, उसकी बहुत बहुत मुबारकबाद हो, माशाल्लाह अल्लाह ने आपको एक नेमत से नवाजा, और अल्लाह से दुआ अल्लाह आपको एक रहमत भी अता करे इंशाल्लाह, बेटी जैसी रहमत। तो यासिर भाई आप मसरूफ़ रहते हैं और आपकी जो मिसेज हैं इकरा, तो वो भी ज़ाहिर है ड्रामों में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, तो एक बिज़ी लाइफ तो है ही है, तो अब बच्चे की टेक केयर करने के लिए आप लोग किस तरह से मैनेज करते हैं इसको? जैसे मैं अभी यहाँ आपके साथ बैठा हूँ तो इकरा कबीर के साथ बैठी हैं। अच्छा अच्छा, हाँ जी, वो शूट पर होती हैं तो मैं कबीर के साथ होता हूँ, मगर इससे सबसे अच्छी बात यह है कि वो जो अभी हम फैमिली वैल्यूज़ की बात कर रहे थे, तो मेरी एक बहन और इकरा की वालदा वो हमारे साथ रहती हैं। ओ माशा, तो मतलब बच्चे की फुफ्फो और नानी वो साथ रहती हैं, ये बहुत बड़ी। हाँ जी, तो वो हम दोनों भी अगर ना हो तो भी कोई फिक्र की बात नहीं है ऐसी। वैसे यासिर भाई ये बहुत मुश्किल है इस दौर में जो आपने बात बताई ना अपनी फैमिली, यही सबसे आसान है बताए, ये मुश्किल लोगों को लगता है, यही मैं बोला मुश्किल लोगों को लगता है ये जो चीज़, यानी मुश्किल से मुराद ये कि आज के दौर में जो लोग सोचते हैं ना उनके लिए करना बड़ा मुश्किल लगता है कि हम अपनी फैमिली की में किसी और को क्यों इन करें। हाँ नहीं नहीं, वो ही तो फैमिली है, वो किसी तो नहीं है, तो मेरी तो बड़ी खुशकिस्मती है कि ये दोनों खवातीन मेरे साथ रहती हैं। अच्छा, हमारा भी घर का जो सिस्टम है वो जॉइंट फैमिली है। अच्छा, हम सारे भाई माशाल्लाह एक ही जगह रहते हैं माँ बाप के साथ, अगर हम कहीं मूव करना भी चाहते हैं तो फिर हम एक साथ ही मूव होते हैं, क्योंकि मेरा अपना ये मानना है कि मोहब्बत तो कम नहीं होती लेकिन अगर हम अलग हो जाते हैं ना तो फिर रहन सहन
आपका एक तरीकेकार बदल जाता है, फिर उसको दोबारा मैनेज करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, तो हम कोशिश करते हैं कि एक तरह मुट्ठी में बने रहें। ये अच्छी बात है, लेकिन इसको प्रैक्टिकली लेके चलना बहुत अर्से तक शायद मुश्किल रहे। जैसे आपके बच्चे बड़े होंगे, दूसरों के बड़े होंगे, तो नहीं, वो तो जाहिर है, ऐसे तो हमारे माँ बाप भी जाहिर है अलग हुए, लेकिन जहाँ तक मुमकिन हो सके, हाँ जहाँ तक, हमारी तो कोशिश है कि खानदान बढ़ता रहे, हम पोर्शंस बना दें, उस पोर्शंस में रहें, एक ही बाउंड्री में रह लें, या घर ऐसी जगह पे सारे ले लें जहाँ एक साथ रह रहे हों, यानी ये कोशिश हम कर सकते हैं, बाकी तो अल्लाह जो बेहतर समझे वो। यासिर भाई, हमारे जो मेहमान आते हैं तो वो थोड़ी देर के लिए मेहमान होते हैं और उसके बाद वो हमारे ट्रांसमिशन का, हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। तो हमारे साथ अब मौजूद हैं डॉक्टर हिना, जो हमें बेहतरीन हेल्थ के हवाले से हमें गाइड करती हैं। तो मैं चाहूँगा कि हम और आप मिलके उनके पास चलें और ज़रा उनसे कुछ सीखें कि हम अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हिना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। और आप कैसे हैं यासिर? अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान मुबारक आपको भी। बहुत शुक्रिया। आइए जी, आइए। आप हमारे प्यारे रमज़ान में आए हैं तो खुशामदीद हम आपको भी करते हैं। और ये प्यारा रमज़ान का जो प्यारा सेगमेंट है, जिसमें हमने ये इसको नाम दिया हुआ है प्यारा कैसे लगे। प्यारा कैसे, तो प्यारा लगने का जो बेसिक स्टेप शुरू ही होता है रिजा से हमारी, कि अगर हम अच्छा खाएंगे जब ही हम अच्छा नज़र आएंगे। यू आर व्हाट यू ईट। सो बेसिकली हम बहुत सारी गलतियाँ यहीं करते हैं कि हम खाना पीना अपना बेहतर नहीं करते हैं रमज़ान में। रमज़ान मतलब है डिटॉक्सिफिकेशन का, माइंड बॉडी और सोल को डिटॉक्स करने का, सही आदतों को अपनाने का। जिस तरह अभी आप लोग बात कर रहे थे, मैं सुन रही थी कि हम कतई ताल्लुक़ ही कर लेते हैं, रिश्तेदारों से दूरियाँ तैयार कर लेते हैं, नफ़रतें पैदा कर लेते हैं, और उनको रमज़ान में भी आके ख़त्म नहीं करते, अपने आप को, अपने माइंड को डिटॉक्स नहीं करते। तो प्यारा तो लग ही नहीं सकते ना, ये तो होलिस्टिक लाइफस्टाइल अप्रोच है। आपका सेगमेंट है प्यारा कैसे लगे, और अब जो चीज़ रुजो रेसिपी बताती है ना, उसके अंदर भी कतई ताल्लुक ही नहीं है। देखिए सारे फ्रूट्स एक साथ, ये देखिए कितनी प्यारे लग रहे हैं, सारे कलर एक साथ, तभी ये इंटेक करके हम खूबसूरत लगते हैं। बिल्कुल ऐसे, और इसके पीछे भी एक साइंस है। लग रहा है रोज वही खा रहे हैं। माशाल्लाह। जी मैं रोज रोज रोज। कल की ड्रिंक कैसी थी? बहुत जबरदस्त, अच्छी थी। अब आज की भी बहुत टेस्टी है, और ये हेल्थ के लिए भी इतनी अच्छी है, डिटॉक्स करेगी आपके लिवर को। अगर ये ड्रिंक 30 डेज हम रोज़ पीते रहें, चलें जो हम डिफरेंट रेसिपीज़ बता रहे हैं उसको भी यूज़ करें, लेकिन इसको भी आप यूज़ करते रहेंगे तो लिवर डिटॉक्स होगा, ऑब्वियसली ब्लड अच्छा प्योरीफाई होगा, आपकी ब्लड अच्छा प्योरीफाई होगा तो स्किन पे दाग धब्बे झाइयाँ हैं, एक्नी प्रॉब्लम है, बैक पे एक्नी है, डैंड्रफ प्रॉब्लम है, वो अल्टीमेटली सॉर्ट आउट होता जाएगा। हमारे क्लिनिक पर आते हैं लोग, पिगमेंटेशन ठीक नहीं हो पा रही होती, एक्नी ठीक नहीं हो पा रही होती, तो एक्चुअली लिवर का प्रॉब्लम होता है। तो ये ड्रिंक आपके लिवर को डिटॉक्स करने में अच्छा। बेहतरीन साबित होगी, आपके कलर को ग्लो करेगी और आपकी एक्नी को रिड्यूस करेगी, और आपकी गट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होगी। इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत सिंपल हैं, इसमें आप एक मौसम्बी ले लें या कीनो ले लें जो भी अवेलेबल हो, एक चुकंदर ले लेना है, इसको छील लेना है, और अच्छा, ये जो क्वांटिटी है ये एक एक परसेंट हाँ, के लिए, ये 2% के लिए, इस वक्त इसमें 2 ग्लास बन जाएंगे आपकी फैमिली, आप दोनों के लिए, आपकी जो भी फैमिली, कल से मजीद ग्लो आ सके। बिल्कुल ना, ग्लो की तो सबको ज़रूरत होती है। अच्छा, एक मौसम्बी या कीनो हो गया, एक इसमें चुकंदर हो गया, हाफ कप इसमें पपाया हो गया, एक एप्पल है और एक क्यूकम्बर है, ठीक है, और एक इन जिंजर का टुकड़ा है, ठीक है, हाफ कप हाफ ग्लास इसमें वाटर। अब मैंने इसको सबको जग में डालना है और ब्लेंड करना। अच्छा, स्क्रीन पर व्यूअर्स, स्क्रीन पर रेसिपी कार्ड चल रहा है आप, और ये थोड़ी देर के लिए आता है, तो इसको आप जल्दी से फोटो ले लीजिए ताकि आपके पास सेफ हो जाए और आप फिर इस रेसिपी को ट्राई कर सकें। मैं कुछ हेल्प करूं? बिल्कुल, ये पानी की बोतल प्लीज़ खोल दीजिए, ये बड़ा अच्छा रहता है। हम जब भी स्टार पे बैठे हुए होते हैं तो हम सब, हमारी जो पानी की बॉटल्स होती हैं वो कभी फरहान भाई की तरफ, कभी आज़ाद साहब की तरफ जारी होती हैं। अच्छा, मैं यासिर भाई, कल भी हमारी जो गेस्ट आई थी उनसे मैं ये कह रहा था कि थोड़ा बहुत हंसी मजाक तो हम वैसे ही करते ही हैं, लेकिन मजाक के अलावा एक हकीकत यह है कि जब ये चीज़ें हम, यही मशरूबात और यही खाना जो हम पकाते हैं, ये शेफ हमारी बनाती है, ये अफ्तार में हम खाते हैं, तो अफ्तारी के अंदर, रोज़ादार के अफ्तार के खाने के अंदर हमारा थोड़ा सा हिस्सा सवाब का शामिल होगा, है ना। और ये घरों में भी करना चाहिए, जो घर में भी मर्द हजरात देख रहे हैं हमें, वो हेल्प करें। अब ये देखिए ये कितना आसान है, अब आप घर जाके आई होप आप ये ट्राई करेंगे ये रेमेडीज जरूर। मैं तो हेल्प करता हूं, मैं दो ना पकोड़े तल रहा हूं। पकोड़े तल रहे हैं ना आप देखेंगे ये कब बना रहे हैं आप, ये शेयर करेंगे स्टोरीज आप हमारे। मैं ही बना रहा हूं, आप ही बना रहे हैं तो बस फिर अभी आपने ये पूरी बॉटल पानी की डालनी है, इसको मेरा ही समझे आप। ये अभी ब्लेंडर भी आप ही ने ही चलाना है। मैं डाल दूं? बिल्कुल डाल,
ये डाल, हम सारे नहीं डाल, डाल सकते हैं, डाल देते हैं, जाया नहीं करेंगे, कुछ भी जाया नहीं जाएगा यहाँ पे। अच्छा यासिर भाई, आज जुम्मा है, मैं देखती हूँ आप किस तरीके से अच्छी तरीके से ना चीजों को, यासिर भाई जुम्मा है जी जी, और हम एक्सप्रेस टीवी पर भी मौजूद हैं, तो हम एक शख्सियत को भूल नहीं सकते जी, और मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया के जितने मुसलमान हैं वो नहीं भूल सकते, बिल्कुल, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब को, बिल्कुल, कि जब ट्रांसमिशन में वो आते थे जो रोजे जुम्मा जो होता था वो बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते थे, उसमें कलाम होते थे और उसमें उलमा कराम से बहुत सारी बातें होती थी, और यकीनन इन्हीं चीज़ों से बरकतें हम समेटते हैं। तो मैं चाहूँगा कि एक ऐसे नातखान जिनको आप आमिर लियाकत हुसैन साहब के साथ भी ट्रांसमिशन में देखते थे, और आज मेरी मेज़बानी में भी, मेरे लिए सआदत की बात है कि वो हमारे साथ मौजूद है, बहुत अच्छे नातखान, बहुत अच्छी आवाज़, बहुत अच्छा लबो लहजा, मैं दावत कलाम दूंगा मुईन आलम साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ हमारी बाज़ में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मुईन भाई, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, अलहम्दुलिल्लाह, शुक्रिया, बिस्मिल्लाह। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन नबदन अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम, मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन नबदन अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदकली ने नूर का आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर तेरा सब घराना नूर का, मोहम्मद فریقینی من نور بربامین اجمی، مولا یا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم، عرض کی جبریل نے شاہ دیے محترم، آپ کا کوئی مماثل رب کی قسم۔ فرحان بھائی، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے، نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، زمینوں خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، ناز کر تو اے
हलीमा सरवर कौनैन पर गर लगी अच्छी तो तेरी झोपड़ी अच्छी लगी तेरी खातिर सांप से दस वालिया सिद्दीक ने आशिकों को उनकी तर्ज आशिकी अच्छी लगी की नमाज़े आस्र हैदर ने कजा तेरे लिए की नमाज़े आस्र हैदर ने कजा तेरे लिए हक ताला को अली की ये अदा अच्छी लगी सुमर रिदा अन अभी बकरों नाजिल अरमी मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबी का खैरिल खल्की कुल्ली मी सलाम उस पर जिसने बेकसों की दस्तगीरी की सलाम उस पर जिसने बादशाही में फकीरी की सलाम उस पर जिसके घर में चांदी थी न सोना था सलाम उस पर टूटा बोरिया जिसका बिछोना था सलाम सलाम फखरे मौजूदात फखरे नो इंसानी मेरा दर हो मेरा सर हो मेरा दिल हो मेरा घर हो तमन्ना मुख्तसर सी है मगर तमहीद तूला माशाल्लाह क्या बात है मुईन भाई मुईन आलम साहब कमाल कलाम पढ़ा खुदा आपकी आवाज़ में और तासीर तवर में चार चांद लगा दिया आपने महफिल में माशाल्लाह जी डॉक्टर हिना रिंग कितने खूबसूरत सा तैयार हो गया इतनी जल्दी बस कुछ करना ही नहीं होता जो हेल्दी चीज़ें होती हैं जो आप खाते हैं वो बहुत आसानी से बन जाती हैं क्या बात यासिर भाई देखा देखते ही देखते और कितना खूबसूरत है देखें जरा बड़ा क्विक काम किया और गारंटी ऐसे ही थोड़ी डॉक्टर इना को हम इसके पूरे पाकिस्तान लाइक करता है ये गारंटी है आप इसको एटलीस्ट 15 डेज ये ट्राई करें 15 डेज बाद आप अपनी स्किन में और अपने हेयर में खुद फर्क देखेंगे अपनी पिगमेंटेशन आपको खत्म पता नहीं 15 डेज ये बुलाएंगे मुझे नहीं बुलाएंगे आप नहीं आपको बुलाने की जरूरत नहीं आपकी अपनी ट्रांसमिशन है आप रोज तशरीफ लाएं घर में भी हूं ये नहीं आप रोज आए आपकी अपनी ट्रांसमिशन है थैंक यू नाज़रीन अब आते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद यासिर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अगला सेगमेंट क्या होगा ये हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे देखते रहिए प्यार अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक आप देख रहे हैं प्यारा रमज़ान मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस हमारी जो माएँ बहनें हैं माशाल्लाह इस वक्त किचन में होंगी क्योंकि ये वक्त हो चुका है तकरीबन पाकिस्तान में 5 बजने वाले हैं और अफ्तार में कुछ ही घंटे बाकी रहते हैं बल्कि कुछ लम्हात ही बाकी रहते हैं थोड़ी ये गुजर जाएंगे जल्दी जल्दी तो आपकी आसानी ही के लिए हम रोज़ एक सेगमेंट लेकर आते हैं प्यारा ज़ायका और वो हमें बताती हैं शेफ़ उरूज के हम रोज़ मज़े मज़े के खाने जल्दी जल्दी कैसे बना सकें सबसे पहले तो मैं अपनी तमाम उन माओ बहनों को सलाम पेश करता हूं कि जो गर्मी में इस हालत में रहकर रोज़े की हालत में हम सबके लिए अफ्तार बनाते हैं तो यासिर भाई हमारे साथ उरूज मौजूद हैं और मैं चाहता हूं कि आज आप किचन में आप हमारी बहन इकरा का साथ तो देते ही होंगे जी जी आज आप उरूज का साथ भी दीजिए अस्सलामुअलैकुम कैसे हैं आप कैसी हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक आज हम बना रहे हैं कैसी हूँ रूज ठीक ठाक जुम्मा मुबारक हो आप आपको भी बहुत आज भी आप जुम्मा आप दोनों यासिर भाई भी और आप जुम्मा मुबारक मुबारक कहते हैं ना जब सही वाला सेलिब्रेट वाइट वाइट कपड़े पहन के माशाल्लाह वाइट कपड़े में बड़ी बरकत होती है मैंने कहा ट्विनिंग ही होगी ट्विनिंग ट्विनिंग टोटली ट्विनिंग
मुझे आज बना रही हूँ मैं खाउसवे। आपको कितने पसंद हैं? मुझे काफी पसंद है। हाँ, खाउसवे पसंद है, जबरदस्त। तो खाउसवे दो तरह के बनते हैं, आपको मेमनी खाउसवे पसंद है या आपको बर्मीज स्टाइल जो होता है कोकोनट में? अच्छा, यहाँ जो मिलते हैं अमूमन वो मेमनी ही मिलते हैं। मेमनी ज्यादा मिलते हैं, कड़ी वाले ना? जिसके अंदर जो गोश्त होता है वो एक रेड सालन अलग बनता है और फिर कड़ी जो होती है वो एक अलग तरफ बनती है। ओके ओके। एंड इट्स गॉट योगर्ट इन इट। नाइस। सो हम लोग बना रहे हैं कोकोनट मिल्क के साथ बर्मिश। जी ठीक। आई प्रेफर दिस। एक्चुअली ये रेसिपी है बर्मिश ही ना? जी, ये है बर्मीज रेसिपी ही। तो बिकॉज ये बर्मीज रेसिपी है तो मैंने सोचा कि लेट्स डू दिस वन, इट्स मच मोर टेस्टियर। यहाँ पे मेरे पास डालडा कुकिंग ऑयल है और ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है ना करना, वो ये सारे लवाजमात होते हैं, ये टॉर्चर होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चिली चिप्स अच्छा जो है ना, ये जो चिली चिप्स एक ये वाला नहीं, वो जो गार्लिक, हाँ क्रिस्पी गार्लिक, ये आपका फेवरेट है? बिल्कुल। जबरदस्त। यहाँ पे डाला हमने डालडा कुकिंग ऑयल, बारीक कटा हुआ प्याज एंड इसको जल्दी जल्दी सॉटे करेंगे। अच्छा व्यूअर्स, स्क्रीन पर आपको नंबर्स दिए गए हैं, लाइव कॉल्स आप कर सकते हैं या सिर्फ हुसैन साहब से अगर आपने बात करनी है तो भी, और उरूज से आपने कोई रेसिपी के बारे में भी कोई सवाल करना है तो स्क्रीन पर नंबर दिए जा रहे हैं, आप लाइव कॉल्स कर सकते हैं। अच्छा यासिर, डू यू वांट टू गिव इट अ गो? हाँ जी बिल्कुल। हाँ ओके, हियर यू गो। मतलब फिर हम कंट्रोल आपको दे देते हैं ना, जैसे आपको आसानी हो। और इसके अंदर डालेंगे हम चिकन। इसको हमें रेड करना है या ऐसे ही बस? ट्रांसपेरेंट करना है, रेड नहीं करना। ऑब्जेक्टिव ये है कि इसको रेड नहीं करना, इसको ट्रांसपेरेंट सिर्फ करना है। ठीक है, मेरे ख्याल में मैंने सारे के सारे, जब तक फरहान गेस्ट होंगे ना, वो मतलब प्रोफेशनल शेफ्स निकल रहे बन जाएंगे। बन जाएंगे। यानी यासिर भाई ने जैसे बताया ना कि ये घर में भी काम करते हैं और ये मैं बताऊं, आज के दौर में ये सोचा जाता है कि अगर मर्द घर में काम करेगा तो ये उसकी इंसल्ट, ऐसा नहीं है। ये हम सबको ये चाहिए कि अपने घर में कोई कुछ नहीं तो कोई एक दिन ज़रूर अपनी मिसेस के साथ या अपनी वालदा के साथ या अपनी बहन के साथ किचन में ज़रूर गुजारें, उनको अच्छा लगेगा, थोड़ी देर भले गुजारें। आई थिंक ये अनाड़ी लोगों की फैलाई हुई बात है। फुल अनाड़ी काम है, मुश्किल काम है, ये सारा आर्ट है दुनिया के। बाय द वे ये मुझे कहते हुए बहुत दुख होता है, दुनिया के सबसे नहीं, मुझे दुख होता है ये कहते हुए, मगर दुनिया के जो सबसे ज्यादा माने जाने शेफ्स हैं वो सब मर्द हजरात हैं और ज्यादातर उनकी क्वांटिटी भी ज्यादा है और जो मतलब अपने करियर के पीक्स पे है वो ज्यादातर आदमी ही है। लेकिन ये कहते थे, अब नहीं कहेंगे क्योंकि आप इतनी अच्छी शेफ हैं। बस देखें, ये तो मैं अपने तौर पे तो मैं गवाही दे सकता हूं। थैंक यू सो मच। सिर्फ मर्द ही अच्छे शेफ नहीं होते, आप भी अच्छे शेफ हैं। एक कॉल हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फरहान भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर? ठीक ठाक हैं? कहां से और कौन बोल रहे हैं? मैं ठीक ठाक हूं, मैं शाकिर बात कर रहा हूं कराची से। जी शाकिर भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक ठाक हूँ माशाल्लाह। आप लोग का सेट बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी ट्रांसमिशन है, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। आप बहुत शुक्रिया सर, आप लोग अप्रिशिएट करते हैं, आप लोग दुआएं देते हैं, आपको अच्छा लगा, बस समझे हमारी मेहनत वसूल हुई, हमारी पूरी टीम की, एक्सप्रेस टीम की मेहनत वसूल हुई। मेरा सवाल शेफ अरूज से है। जी शेफ अरूज, आप जो रेसिपी, मैं खुद एक शेफ हूँ और आप जो रेसिपीज बताती हैं, मैंने कल बारूद चिकन बनाया था, बहुत अच्छा बना था, बहुत बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। और मेरी जो है आपसे सवाल, मेरा ये है कि कल आपने फिश बनाई थी तो मुझसे उसकी रेसिपी मिस हो गई थी, तो काइंडली एक बार रिपीट कर देंगे प्लीज आप? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आसान फिश थी। आप को जो भी मछली पसंद है, मैंने कल स्नैपर यूज करी थी। अच्छा अगर, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, अगर मुमकिन हो सके तो कंट्रोल रूम से दरखास्त है कि रेसिपी जो बता रही है कार्ड ले लें, वो कार्ड दोबारा एक बार चला दीजिएगा ताकि ये भी आसान है। ये भी आसान है, जबरदस्त। अच्छा आप वैसे ही बता दीजिए। वैसे बेसिकली स्नैपर थी और उसको आप मैरिनेट करें विद गार्लिक, जिंजर ऑयल एंड चिली और थोड़ा सा नमक, और उसके साथ आप उसको जब मैरिनेट कर दें अबाउट 2-3 घंटे, तो फिर आप उसको कोट करें मैदे से और उससे मैदा और कॉर्नफ्लावर मिक्स करके कोट करके डीप फ्राई कर लें, जो यहाँ पे फरहान कल खड़े कर रहे थे, बहुत याद है कल एक्चुअली सेसमी ऑयल डाला जी, कैन यू स्मेल इट ऑलरेडी? मैं बनने के बाद कर रहा था जब बन गई थी। नहीं बन नहीं गई थी, आप ने फ्रेश, कच्ची फिश फ्राई करी है। हाँ, वो मैंने जब वो वीडियो मिसेस को दिखाई ना तो कहने ही कि फिश को जब डिप करते हैं तो डिप रहने देते हैं
और आप बार बार उसको करके खराब कर रहे थे, ऐसा ही है? ऐसा नहीं था। नहीं? आपने सही की बनाई। अच्छा, कल सबने खाई है, वो फिश बची नहीं, इसके ऊपर भी कल जंगे जहर हुई है। वैसे किसी और बात पे गुस्सा हो गया। नहीं, वो अप्रिशिएट करती है, गुस्सा नहीं होती। अच्छा, इसके अंदर मैंने सेसमी ऑयल डाला है बिकॉज आई लाइक द फ्लेवर ऑफ सेसमी ऑयल, एंड इसके अंदर मैं डाल रही हूँ करी लीव्स, कड़ी पत्ता जिसको कहते हैं, अगेन अनदर रियली फन एरोमेटिक फ्लेवर, ठीक है। और थोड़ा सा इसको अगर थिकन करना है तो जस्ट अच्छा, जो स्क्रीन पे चल रहा है वो कल वाला रेसिपी कार्ड चल रहा है, व्यूअर्स को बताते चलें, और जो नया कार्ड है वो भी चलेगा जो शेफ रुज आज हाउस से बना रही है। पहले भी डाला था ना? नहीं, वो क्या था? वो चिकन पाउडर था। तो चिकन पाउडर, फिश सॉस, सेसमी ऑयल। चिकन पाउडर क्या करता है जब चिकन ऑलरेडी है इसमें? उमामीनेस जो आती है ना, एक जो रेस्टोरेंट का फ्लेवर होता है, ये मुझे ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। यू नो, घर पे जब हम खाना बना रहे होते हैं और कहते हैं कि खाना वैसा नहीं बनता जैसा रेस्टोरेंट में होता है, उसकी वजह ये होती है कि चिकन पाउडर जो है, इट्स गॉट दैट एक्स्ट्रा उमामी सॉर्ट ऑफ थिंग। ये आपने क्या, योगर्ट? कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क, ओके। एंड दैट्स इट, वी डन। वी डन? या वी डन। अब इसके अंदर जो टॉर्चर वाली बात है वो मैं बताना चाहती हूँ अपने सारे के सारे नाज़रीन को कि इसके अंदर बहुत सारे लवाजमात होते हैं। सो यू वांट टू हैव सम बॉइल्ड एग्स, सम डीप फ्राइड लहसुन, प्याज, ऑब्वियसली चिली चिप्स, दिस इज़ द पाकिस्तानी टच। आप पापड़ी कुछ लोग डालते हैं, कुछ लोग चिली चिप्स, मुझे ये चिली चिप्स पसंद हैं। यहाँ पे मेरे पास रोस्टेड पीनट्स हैं, अगेन दैट्स अ प्रेफरेंस थिंग। और ये सारे के सारे जैसे हलीम के लवाजमात लगाते हैं ना, वो लगा के आप साइड पे कर लें, उससे ये होगा। अच्छा, हलीम में इतने सारे नहीं होते, इतने खाउसे में होते हैं। खाउसे में बहुत सारे होते हैं। लेमन पहले बहुत डल जाते हैं, यदि उसमें जो मेन अभी तक जो अभी हाँ जो मेन कैरेक्टर है उसमें प्याज का ज्यादा है ना, प्याज का और अदरक का और आई थिंक लेमन का। हाँ, इसके अंदर बहुत कुछ है। अच्छा, एक कॉलर है यासिर भाई, इजाजत है तो कॉल लें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? जी वालेकुम सलाम जी, मैं बाकर बोल रहा हूँ दादू से। बाकर बोल रहे हैं दादू से? जी बाकर भाई, क्या कहना चाहेंगे? जी सलाम, क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे हैं? शुक्रिया, आप बताए, आपका मैं हर रोजा ये सेगमेंट देखता हूँ। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका कि हम आप ट्रांसमिशन देखते हैं और हम कोशिश करते हैं कि आपको अच्छी से अच्छी ट्रांसमिशन कर दिखाएं ताकि आपको अच्छा अच्छा कुछ मैसेज मिल सके। जी जी फरहान भाई, एक सवाल है। जी फरमाइए। जी जी बोलिए बोलिए। आप एक नात सुनाए आप। अच्छा, मैं जरूर सुनाऊंगा नात, अभी एक सेगमेंट आएगा हमारा नात का, ट्रांसमिशन देखते रहिए, मैं जरूर सुनाऊंगा। और यासिर भाई से आपने कोई बात करनी है तो जरूर बात कीजिए। यासिर भाई से बात करनी है। जी जी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। दादू का मौसम ठीक है? जी जी, दादू का मौसम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ये दादू से कितनी दूर है ऊपर जो पहाड़ है जिसे सिंध का मरी कहते हैं? जी जो गोरख है, गोरख हिल्स, कितनी दूर का है? स्टेशन है ना वो ना? जी जी वही वही वही, यहाँ पे 50 किलोमीटर दूर है। 50 किलोमीटर, तो आप जाते रहते हैं? जी बिल्कुल, हम ईदों पर जाते हैं। मैं दो दफा गया हूँ लेकिन वो दादू तक इतनी दूर हो जाता है कि वो 50 किलोमीटर तय नहीं हो पाते। ब्यूटीफुल प्लेस। हम दादू से मतलब एक गांव में रहने वाले हैं। अच्छा जी जी, आप शूटिंग का टाइम कौन सा आता है, ये क्या कोई शूटिंग का टाइम आपका कोई है वहाँ पर, आप करते हैं? हाँ जी, वहाँ पे इंशाल्लाह कोई प्लान कर रहे हैं वहाँ पे कुछ शूट करने का। बस अच्छा। आपने जब ये यासिर भाई आएंगे तो विजारेंस के इंस्टाग्राम पर पता चल जाएगा शूट कहाँ कर रहे हैं, तो आपने मेहमान नवाजी करनी है क्योंकि सिंध की मेहमान नवाजी बड़ी मशहूर है, और आपने कहना है भली करी आए। ठीक है, बड़े मेहमान नवाज। हाँ बिल्कुल, गोरख हिल्स इतनी खूबसूरत जगह है। हाँ। आप यहाँ पे अगर 50 डिग्री भी हो रहा है ना, आप गोरख हिल्स जाएं, आप जैकेट के बगैर नहीं खड़े हो सकते, और रात के वक्त और ठंड होती है। नहीं, आप दोपहर में जैकेट के बगैर नहीं खड़े हो सकते। किसी भी, अच्छा, आई कीप हियरिंग दिस, किसी भी महीने, सिंध का मरी कहते हैं उसे, और वो वाकई मैं व्लॉग्स देखती हूं, सुनती हूं, बट आई मीन इट लुक्स ब्यूटीफुल, बट इट्स ड्राई माउंटेन है, मगर वो बहुत हसीन है। उसके ऊपर जाके जो व्यू है ना, फॉग है और
बाकी सब बादल है। हाँ, बहुत कमाल है। अच्छा, इत्तफाक है कि मैं नहीं गया। हमारी वायदे जरूर जाए, जरूर जाए। देश बन गई है और क्योंकि खाउसवे जो होते हैं ये बहुत सारे यू नो आपकी बहुत सारी इसके अंदर डिशेज लगती हैं, तो ऑब्वियसली डिशेस को वॉश भी करना पड़ता है। और आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैक्स लिक्विड जो है वो 3 गुना ज़्यादा डिशेस धोता है आम साबुन के मुकाबले में। और ये ज़्यादा चलता है ऑब्वियसली, इसका एक कतरा आपकी बहुत सारी डिशेस को वॉश कर देता है, आपको बहुत हेल्प देता है। तो डेफिनेटली अपने घर पे इस रमज़ान अगर आपने बचत करनी है, विच इज़ समथिंग दैट वी ऑल बिकम वेरी कॉन्शियस ऑफ, तो आप मैक्स का लिक्विड ज़रूर लेकर आएँ जी। चिली ऑयल बनाएं या ना बनाएं, या यू थिंक इनफ है? आई थिंक बना लें, मेरे ख्याल से काफी बना लें। आप कह रहे हैं काफी है, ये कह रहे हैं बना लें। मेरी बीवी चिली ऑयल जो है ना काफी में खाती है, आप सीख लूंगा वो। आप जो बनाती है ना वो आप जितना भी बनाते रहें वो कम है क्योंकि आप जितना बनाएंगी फिर हम उतना ज्यादा खाएंगे, और जितना ज्यादा खाएंगे फिर कंट्रोल नहीं होगा ना फिर। ये भी है, क्या कहते हैं? बिल्कुल सर, क्योंकि अफ्तार कहते हैं अफ्तार के औकात के वक्त औकात में रहना चाहिए अगर आपने आपको पेट को सही रखना है। लेकिन आप बताइए चिली ऑयल ये वाला जो है ये मैं बहुत सिंपल बनाना चाह रही हूँ, जस्ट 2 इंग्रेडिएंट चिली ऑयल, ठीक है? अगर आपकी बेगम को पसंद है तो आप बाकी में ये वाला बहुत आसान है। तो आपने एक पैन में, बाय द वे ये हमारा हाउस में बन गया, बन गया। अच्छा, वो तो बॉयल होने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ेगा। नहीं नहीं, अभी हम इसको थोड़ा सा और गाढ़ा होने देंगे, बट जस्ट अ लिटिल बिट मोर, बट इट्स डन। चिली ऑयल इज ऑयल ज्यादा, यस, सो ऑयल। एंड इसके अंदर ये आप देख रहे हैं कि कितना फाइनली चॉप्ड लहसुन है। ओके, अच्छा सही है। आप बना लें, दे दें, ये सारे का सारा डाल दें बस स्पैचुला से निकाल के। वेरी गुड, सो इसके अंदर लहसुन डाल रहे हैं। कुछ लोग शेजवान पेपर्स डालते हैं, कुछ लोग इसके अंदर आप डालना चाहें आप इसके अंदर जिंजर डाल सकते हैं, स्टार एनीस बादियान का फूल डाल सकते हैं, सिनेमन डाल सकते हैं, चाइना के अंदर सूखा हुआ झींगा, दैट्स ऑल्सो रियली नाइस। मैं जब घर पे बनाती हूँ तो मैं डेफिनेटली डालती हूँ। अभी हम US से लेकर आए हैं, वो चाइनीज स्टोर से लिया था। हाँ, बहुत अलग सी एक स्मेल है। तो दैट उसमें वो सूखा हुआ जो झींगा होता है उससे एक बहुत मज़ेदार किस्म का उमामीनेस आता है। आई कीप सेइंग द वर्ड उमामी। उमामी का बाय द वे कोई बिल्कुल भी टेक्निकल मतलब नहीं है, बहुत सारे शेफ्स इस्तेमाल करते हैं और अपने आप को बहुत कूल समझते हैं, बिल्कुल ये कूल वर्ड नहीं। मैं आपको बताती हूँ, उमामी किसी भी वो चीज़ को कहा जाता है जो कि जब आप खा रहे हो ना तो उसके जब वापस आफ्टर फ्लेवर आए, यानी कि निहारी निहारी इज उमामी बाय द वे, तो उसको उमामी कह दिया जाता है। अच्छा उरुज, ये भी है कि आप ये यासिर भाई तो ये बना रहे हैं जी, ठीक है, बनाने के बाद फिर हम आपने सब कुछ सिखाना ना, बनाने के बाद हम खाएंगे कैसे? नहीं, खाने के बाद ये बर्तन भी तो धोते हैं ना हम लोग मैक्स से। बिल्कुल, हमने बर्तन धोएंगे मैक्स से। अभी मैं यही बात कर रही थी कि मैक्स लिक्विड के जो ताकि हम सीख के जाएं, तो पूरा सीख के जाएं, पूरा सीख के जाएं। अच्छा, आने बर्तन, के साथ बर्तन धोने तक, बर्तन धोना मैं आपको यही बता रही हूँ कि मैक्स लिक्विड का जो ये बर्तन है इसको धोने के लिए आपका जो स्क्रबर होता है ये बेसिकली दो साइड्स पर होता है, एक ग्रीन साइड होती है ऑब्वियसली, एक स्पंज की साइड होती है। तो लिक्विड जो है वो आपको स्पंज की साइड पे डालना है, नॉट ग्रीन की साइड पे। मैं आपको दिखा देती हूँ, सही है? और आप अगर इसकी स्पंज की साइड से इसको धोएं तो नो स्क्रैचेस, और आप देखें कितनी सारी झाग बन रही है। इट्स जेंटल ऑन हैंड्स, क्रॉकरी के ऊपर कोई स्क्रैच नहीं लगेंगे, आसानी से इस्तेमाल हो जाएगा और जल्दी जल्दी ग्रीस कटिंग इसकी जो पावर होती है वो तेज़ होती है, तो ग्रीस भी कट जाएगी, जर्म्स भी मर जाएंगे 100%, 99.9% 9.9% जर्म्स जो हैं वो मर जाएंगे। माशाल्लाह, मुझे PTV2 याद आ गया। क्यों? उसमें एक ट्रैक्टर होता था ना, इसके दो टायर होते इसके दो ये ट्रैक्टर होता था, उसके दो टायर होते दो टायर होते हैं क्या होता है उसके अंदर दो टायर ट्रैक्टर होते हैं चार टायर होते हैं, बेसिक दो आगे होते हैं दो पीछे होते हैं, पहले आगे वाले चलते हैं कुछ में, पीछे वाले चलते हैं। अच्छा, इसको फिनिश करने के लिए ये घी कह रही हूँ, तेल तेज गर्म है, इस पॉइंट पर हम इसके अंदर डालेंगे। ठीक है, डालते हैं इसमें। हाँ,
अच्छा कुछ सेगमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें ये भी होता है मैं एक हॉकी का प्लेयर था रोज वही कहना होता है मैं हॉकी का मेरी मेरी टांग निकली है सही है और हमने इसमें बारीक कटा हुआ ग्रीन अनियन डाल दिया एंड दिस इज गोइंग टू बी रियली रियली यमी आप लोगों को मैं यहाँ पर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहती हूँ अगर आपको कभी भी आप मक्खन के साथ या घी के साथ या इवन ऑयल के साथ बना रहे हैं यू वांटेड टू स्टॉप कुकिंग एंड यू वांट टेम्परेचर कम होते होते किसी भी चीज़ का टाइम लगता है तो अगर आप उसके अंदर एक लेमन स्क्वीज कर दें द कुकिंग प्रोसेस इज सीज्ड इट्स अ थिंग ये हुई ना बात सीखने वाली आज की ये बात कि अगर आपका मक्खन जल रहा है ब्राउन हो रहा है आपके पैन में और ऑब्वियसली पैन तो गर्म रहेगा थोड़ी देर तक रहेगा तो उसको अगर आपने रोकना है तो आप उसके अंदर एक लेमन स्क्वीज इंटरेस्टिंग और अगर हमें ये सेगमेंट को रोकना हो तो फिर क्या करें आपको फिर ब्रेक लेनी पड़ेगी इजाजत है आपकी रेसिपी एब्सोल्युटली मेरी रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है मैंने उसको डिश आउट करने और आपको टेबल पे नाज़रीन रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है और रेसिपी कार्ड आपकी स्क्रीन पर भी नजर आ चुका है ये तो मैं घर लेकिन अब ये बनी कैसे है ये तो खा के तो हम बताएंगे अफ्तार में लेकिन नजर आएगी आपको प्रॉपर तरीके से सर्व हुई हुई और बाकायदा इसको गार्निश किया हुआ वो सब आपको अफ्तार में नज़र आएगा लेकिन फ़िलहाल हम एक मुख्तसर से वक्फे के बाद वक्फे पे जा रहे हैं आप देखते रहिए प्यारा रमज़ान थोड़ी देर में वापस आते हैं अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है ये आज हो क्या रही है हैं ड्राइंग आज तो अस्सलाम वालेकुम मैम वालेकुम अस्सलाम ये आप आज तो आपने स्टोरी सुनानी थी वाकया सुनाना था कि आप बच्चों को आपने ड्राइंग पे लगा मैंने कहा बच्चे हैं उनको आजाद छोड़ देना चाहिए आजाद ख्याल होते हैं तो चीजें सीखते ना थोड़ी सी ड्राइंग करें थोड़ी अच्छी अच्छी बातें आज बहुत सारी चीज चेंज हुई है आप वहाँ बैठती थी आज आप यहाँ खड़ी हैं exactly, क्योंकि मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाली हूँ यहाँ पे पहले क्या मैं बात करने वाली हूँ लाइफ बॉय के बारे में अच्छा लाइफ बॉय देता है आपको 100% जर्म से हिफाजत वो भी सिर्फ 10 सेकंड में कैसे पता कैसे ऐसे हाथ 1 2 3 4 5 6 7 8 ये तो 8 में ही डन हो गया हाँ क्योंकि जल्दी जल्दी करता है जो खवातीन किचन में काम करती हैं उनको चाहिए अपने हाथ लाइफ बॉय से धोएं क्योंकि मैं जिस तरह की हूँ ना मुझे आता है जब मैं कुछ कुकिंग करती हूँ मैं जल्दी जल्दी बार बार जाके हाथ धोती हूँ उतने दफा चीजें नहीं बनानी होती जितने दफा हाथ धोती हूँ तो लाइफ बॉय डेफिनेटली यहाँ पे टाइम भी बचाता है क्योंकि 10 सेकंड में जर्म से हिफाजत होती है और बच्चे जब अपना काम करते हैं स्कूल से आते हैं पढ़ाई करते हैं कुछ खाने पीने की चीजें करते हैं तो उनको भी चाहिए अपना हाथ धोएं ताकि बीमारियों से हिफाजत रहे तो बच्चों लाइफ बॉय से हाथ धोने एग्जैक्टली तो इसलिए लाइफ बॉय से हाथ धोए और सोचो अब रमजान है तो रमजान में रोजे में सो जाएंगे अगर तबीयत खराब हो गई इसलिए रोजे का ख्याल रखना है रोजा खुशाई करवानी है तो हाथ धोएं किससे बिल्कुल जी तो आज महम आज आप कौन सा वाकया सुनाएंगी हमें आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी आज मैं बताऊंगी मौजज़े हजरत ईसा अलैहि सलाम के मौजज़े वाओ तो बच्चे सुनेंगे तो कुछ चीज़ें बताती हूँ उनके तो बहुत से मौजज़े हैं जिनके बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और आज तक सुनते हैं और उनके हर मौजज़े को सुन के हम सोचते हैं कि अल्लाह कैसे होता था ये सब कुछ सही। तो मैं आपको बताने वाली हूँ पहला मौजज़ा जो कि बचपन में नौ मौलूदगी में यानी न्यू बॉर्न जब वो थे ना जो बिल्कुल न्यू बॉर्न थे तब वो लोगों से बातें किया करते थे देखो छोटी सी जी ये उनका मौजज़ा था देखा इसीलिए न्यू बॉर्न बिल्कुल पैदा हुए हुए छोटे से बेबी यही तो मौजज़ा है ईयर्स भी नहीं थे मंथ्स कुछ डेज के थे नौ मौलूदगी में थे यानी न्यू बॉर्न थे साथ ही साथ वो मिट्टी से बनाए हुए परिंदे यानी जो जानदार नहीं होते मिट्टी के खिलौने बनाते हैं ना वैसे वो उनके परिंदों की शक्ल बनाते थे और अल्लाह ताला के हुक्म से उनमें जान भरते थे कैसा उनमें जान आ जाती थी और वो उड़ने लगते थे बोलने लगते थे अभी के कबूतर ये सब
अल्लाह ताला ने बनाया सारी कायनात को, अल्लाह ताला ने बनाया, लेकिन वो अल्लाह ताला से हुक्म लेते थे कि क्या इसमें जान डाली जा सकती है, और ये उनका मौजजा था कि अल्लाह ताला ने उनको ये अता फरमाया था। साथ साथ जो पैदाइश से भी नाबीना होते हैं ना, नाबीना का मतलब पता है, जो देख नहीं सकते, जो पैदाइशी ब्लाइंड होते हैं, नाबीना होते हैं, उनको भी अल्लाह ताला से दुआ करवा के उनकी आंखों में रोशनी डाल दिया करते थे, तो रोशनी आ जाती थी जब अल्लाह ताला से वो दुआ करते थे, ऐसा ही है। हाँ, बहुत से ब्लाइंड नहीं देखे आपने टीवी पे जो ब्लैक ग्लासेस लगाते हैं, जिनकी आईज वाइट हो जाती हैं, लेकिन आईज होती हैं लेकिन उनको देख नहीं सकते, वो आंखें होती हैं लेकिन जैसे हम बंद करते हैं ना अंधेरा होता है, उनको ऐसा अंधेरा ही नजर आता है, उसकी आंखें खराब होती है, वो भी बिल्कुल नहीं देख नहीं पाता। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। साथ साथ एक बीमारी होती है बर्ड्स की, बर्ड्स एक बीमारी, जैसे अलग अलग बीमारी, जैसे कोविड आया, जैसे डिफरेंट बीमारियां होती है ना, वैसे एक बर्ड्स की बीमारी होती थी उस जमाने में, जो आज तक भी होती है। जी जी जी। तो उन बीमार लोगों को भी अल्लाह के हुक्म से शफा दे देते, शफा दे देते। तो इतनी बड़ी बीमारी है वो कि इतनी आसानी से ठीक भी नहीं होती। तो ये भी उनके मौजों का एक हिस्सा था। डॉक्टर्स तो मेडिसिन से कुछ हद तक, लेकिन उस जमाने में जब इतना एडवांस नहीं था सब कुछ, साइंस इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी उस टाइम पे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से उनको शिफा देते थे। शिफा देते। मैं भी आपको ज़रूर। उसके अलावा मुर्दों को अल्लाह ताला के हुक्म से ज़िंदा भी कर दिया जाता है। बिल्कुल। तो उनके पास इतने मुर्दों को जो ज़िंदा नहीं होते, जैसे जिन लोगों की डेथ हो जाती है ना, डेथ, देखो जो मर जाता है वो ज़िंदा कभी नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन अल्लाह ने हमें पैदा किया और अल्लाह ही हमें मौत देगा, यानी जो हम मर जाते हैं वो अल्लाह के हुक्म से होते हैं। अल्लाह जैसे अल्लाह ने चाहा था कि जैसे हज़रत मूसा से कहा, हज़रत ईसा से कहा कि मेरा ये हुक्म है, मैं कर दूंगा जिंदा, बस तुम इशारा कर दो, तो वो कहते थे कुम बेइज़्निल्ला, उठ अल्लाह के हुक्म से, तो वो कहते थे अल्लाह के हुक्म से उठ, तो वो जो मुर्दा था वो जिंदा हो जाता था। तो लोग कहते थे वो ये शायद इसलिए यकीन इसलिए करवाते थे कि उनकी तरफ लोगों की तवज्जो, जी ये कौन है, फिर वो बताते थे कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, तो फिर उनकी बात पे बिलीव करते थे। बिल्कुल ऐसा ही है। साथ साथ उन्होंने एक और चीज़ भी की, आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगी और आसमान से खाना उतरा, मनोसलवा के नाम से। मनोसलवा होता है जो आसमान से खुराक आती है, खाना आता है, मैं सही बोल रही हूँ इस तरह से। तो इतने सारे मौजज़े थे, और उनके सारे मौजज़ों में ये भी है कि जिंदा हालत में उन्हें यहाँ से उठा लिया गया था आसमान जाने के लिए, और अब जब आखिरत के टाइम पे उन्हें वापस भेजा जाएगा, कयामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कयामत से पहले दुनिया में, यानी वो हाइड हो गए, अल्लाह ने छुप गए हैं, वो हैं, अल्लाह ने उनको ऐसा कर दिया कि उनको हम नहीं हैं, वो जैसे हम लोग यहाँ मौजूद है ना, मैं आपको देख सकता हूँ, आप मुझे देख सकते हैं, लेकिन अल्लाह ने उनको हाइड कर दिया कि यानी वो उनका इंतकाल नहीं हुआ, वो यहाँ से दुनिया से जैसे सब चले जाते हैं ऐसे नहीं हम कहते ना, जैसे लोग हैं उनका इंतकाल हो गया, उनको हाइड कर दिया, यानी हमारी आंखें उनको नहीं देख सकती, और जैसे ही अल्लाह ने जो वक्त उनका रखा है कि जब उनको जाहिर करेंगे तो फिर विजुअल हो जाएंगे, वो नजर आने लगेंगे सब। ये मौजज़ा है हज़रत ईसा अलैहि सलाम, यही तो हम बातें बता रहे हैं। सबसे हिसाब लेंगे किसने क्या क्या किया, इसलिए तो कहते हैं कि जो काम भी आप करें देखभाल के करें, क्योंकि सब चीज़ों का जवाब, जी सब चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। हमारे जो हमने बदतमीजी और ये सब करा होता है, तो माइक करीब करके बोलिए बेटा, जो बदतमीजी ये सब होता है उसमें अल्लाह हमारे हाथ और पैर जिंदा बताते हैं होके कि इसने ये करा है हमसे, इसने हाँ। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छी बातें करें, लोगों की मदद करें, ज्यादा से ज्यादा अच्छे काम करें, ताकि कयामत के रोज भी और वैसे भी रोजाना की जिंदगी में भी अगर हम अच्छे काम करते हैं, तो होता है ना एक स्कूल में भी ऐसे होता है, एक चार्जशीट बनती है कि ये अच्छे बच्चे हैं, ये थोड़े से बदमाश बच्चे हैं, थोड़ी सी शरारतें करते हैं, लेकिन कभी कभी अल्लाह ताला जो होते हैं ना, वो इन सब चीज़ों को कभी कभी नहीं हमेशा नोटिस करते हैं। हमारे जो यहाँ फरिश्ते बैठे ना, सीधे और उल्टे हाथ पे हमारी अच्छाइयाँ नेकियाँ सब लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि बड़े होकर नेकियाँ करनी है, छोटी एज से करनी होती है। और अगर जब कयामत का दिन आएगा, तो जब अल्लाह ताला सबको हिसाब लेने के लिए उठाएंगे, कोई जितने भी नेकियाँ करनी हो, किसी ने जितनी भी नेकियाँ की हो, लेकिन अगर किसी ने किसी को तंग किया हो या किसी का दिल दुखाया हो, तो फिर अल्लाह ताला उसके सारे वो अच्छाइयां मिटाकर उसे दोजख में भेज देते हैं। हाँ, जो अच्छे काम करेगा, अच्छा मैं एक और बात बताऊँ आपको, अल्लाह ताला ना ये चाहता नहीं है कि उनके बंदे दोजख में जाएं,
ये पता कैसे होता है, जैसे जैसे हमारे पेरेंट्स क्या कहते हैं अक्सर गुस्से में आके, बाहर गए नंगे पैर गए तो टांगे तोड़ दूंगा, कहते हैं ना, लेकिन क्या वो टांगे तोड़ते हैं? नहीं, वो चाहते हैं कि तुम बाहर नहीं जाओ, तुम्हारी टांगे ना टूटें। इसलिए अल्लाह चाहता है कि तुम नेक अमाल करो, क्योंकि अल्लाह रहमान और रहीम ज़्यादा है। जब हम कोई गुनाह करते हैं ना, और जब हमें इस बात का एहसास हो जाता है कि हमसे गुनाह हो गया, तो हम जितनी तोबा करते हैं तो अल्लाह हमारी तोबा कबूल कर लेता है। अल्लाह ताला कितने अच्छे हैं कि बार बार हम बंदों को, हम इंसानों को ये तौफीक देते हैं कि माफ़ी मांगो और मैं सब माफ़ कर दूंगा। हाँ, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, कि बच्चा बहुत बदतमीज़ हो जाता है, जो जो बंदा बहुत बदतमीज़ हो जाता है, फिर अल्लाह फिर उसको उसको कहता है कि भाई इसको अब दोजख में डाले, मतलब आखिरी मौका तक भी देते हैं। हाँ। ये भी कहा जाता है, मुझे ये बात नहीं प्यारी लगती है कि अल्लाह ताला अब कहते हैं कि जी अगर आप मरने से पहले भी तौबा कर लें तो आपके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अगर आपको अंदाज़ा हो जाए इतने आपने गुनाह किए हों और आपका ऐसा वक्त आ गया जो आपको पता है कि आप बस जाने ही वाले हैं, और आपने उस वक्त उस सेकंड में आपने बोला अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलतियाँ हो गई, तो अल्लाह ताला उनको भी माफ़ कर देते हैं, सारे गुनाह माफ़ कर देते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए। और ने कोई एक वाक्या सुनाना था जी, हो प्लीज। मैंने भी आज सुनाना है, मैं पहले सवाल पूछूंगा। ओह नहीं, सवाल दो दिन से सवाल हो रहे हैं, आज पहले वाक्या होगा। अच्छा बोल। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त अपने घर से बाहर जाते रहे, तब भी तब एक बूढ़ी औरत आके उनके ऊपर कचरा फेंकती थी। फिर एक दिन बूढ़ी औरत ने उनके ऊपर कचरा नहीं फेंका, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर पे गए, उससे पूछा आज तुमने मेरे ऊपर कचरा क्यों नहीं फेंका, तो उसने बोला अरे मैं तो आपके ऊपर कचरा फेंकती थी, फिर आप मेरा हाल चाल पूछने आए, तो फिर वो मुसलमान हो गई। अरे वाह, ये देखिए हम क्या होते हैं, हमारे साथ कोई बुरा का बुरा सलूक करता है तो हम उससे बदला डबल बुरा करते हैं, डबल बुरा करते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुम्मे के दिन हमें बहुत सारा दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, तो चलें एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं जी। अल्लाहुम्मा सल्ले अला, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम व आली व बारिक व सल्लम आमीन। अच्छा अलवीरा भी कुछ बताना चाहे, जल्दी से बताएं, चलें। जुम्मे के दिन हमको हमको शावर लेना चाहिए, नेल काटने चाहिए और हमें नमाज पढ़नी चाहिए। बिल्कुल। और जुम्मे के दिन हमें सुरमा भी लगाना चाहिए। बिल्कुल। और हुरैन आप क्या कह रही हैं? आज मुझे चीख के बारे में सुनाना है। जब भी मुझे सवाल करना था, जब मैं कहाँ सुनूं? एक मिनट पहले चलो बताओ, हुरैन बताओ, चलो बताओ। सवाल ये है कौन से नबी ने चांद के दो टुकड़े किए थे? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब हमें छींक के बारे में बताना है, मुझे छींक के बारे में बताना है, छींक के बारे में बताना है, जल्दी से बता दो। जब किसी को, आज मैं आप सबको छींक के बारे में बताऊंगी। हाँ। जब किसी को छींका है तो उसे बोलना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, और जो उसके सामने हो उसे बोलना चाहिए क्या हमुकल्ला। और जिसने छींका उसे बोलना चाहिए क्या हदीकुमुल्लाह व यस्लिकुबालकुम। और आप सबको भी ये दुआ याद करनी चाहिए ताकि हमें आदत हो जाए। माशाल्लाह। मुझे एक नाच सवाल, चलो अब ब्रेक लेंगे फिर कल सवाल करेंगे। कल कल के लिए सवाल जमा कर लो। हाँ छोटा सा। ऐसा कौन सा जानवर है जिसके पाँव नहीं है फिर भी वो तेजी से दौड़ता है? हैं? वो कौन सा जानवर है भाई, कौन सा है बताओ जल्दी से। सांप। वाह भाई वाह, सही जवाब है। अब इनको क्या मिलेगा? तालियां, तालियां। नाजरीन ये है प्यारा रमजान, और छोटे छोटे बच्चे जो भी अपने वालदैन से सीखते हैं या हमारे साथ बैठकर सीखते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि इनका बचपन इसी तरह अच्छा गुजरे, इनका बेस अच्छा हो जाए। और ये इस ट्रांसमिशन में हम ये रोज़ सेगमेंट करेंगे, और ये सेगमेंट आपने रोज़ देखना है, और हमें सोशल मीडिया पे बताना है कि ये सेगमेंट आपको कैसा लगा। और हमारी ट्रांसमिशन कौन सी है बच्चों, मिलकर पढ़ेंगे प्यारा रमजान, प्यारा रमजान, प्यारा रमजान, प्यारा रमजान। Me.
मेरा मुद्दा मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है, क्या बताऊं उसकी आंखों माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्यारा रमज़ान, और रमज़ान में अब ये जुम्मे का रोज़ है, और जुम्मे के रोज़ मैं कहता हूँ कि जितना भी ज़िक्र अल्लाह, ज़िक्र रसूल, ज़िक्र आले रसूल किया जाए कम है, बल्कि तो वैसे तो रोज़ ही करना चाहिए, लेकिन रोज़ जुम्मा ख़ास तौर पर एक ऐसा दिन है कि जो तमाम दिनों का सरदार है। और मैं आज के दिन आमिर लियाकत हुसैन साहब को भी याद करते हैं कि वो हुसैन अरई साहब और आज़ाद जमील साहब तो उस ट्रांसमिशन का हिस्सा रही हैं हमेशा, और हम भी एज अ गेस्ट उनकी ट्रांसमिशन में जब आते थे वो बड़ा एक मज़ेदार समा होता था, है ना। डॉक्टर साहब की यादें जो हैं वो तो हमेशा हमारे जहनों में रहेंगी बेशक, क्योंकि रमज़ान ट्रांसमिशन का आगाज़ करने वाले डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, बिल्कुल अल्लाह पाक उन्हें गरीक़ रहमत फरमाए। और जैसे ही माह रमज़ान आता, उससे पहले शब मेराज की ट्रांसमिशन होती, शब बरात की ट्रांसमिशन होती, तो डॉक्टर साहब बाकायदा समझ लें कि ये रमज़ान मुबारक की जो इस्तकबालियत प्रोग्राम होते थे वो शब मेराज से शुरू कर देते थे, और शब बरात पे ऐलान फरमा दिया करते थे कि भाई यहाँ पर ट्रांसमिशन होगी, इस नाम से होगी, क्या बात, और एक रौनक होती थी, और समझ लें कि रमज़ान ट्रांसमिशन की जान होते थे वो बेशक, और उन्हीं की वजह से दीगर चैनल्स पर ये प्रोग्राम शुरू हुए और अभी तक चल रहा है सिलसिला। यकीन करें वो अभी भी, अब हम जब मैं ग्रीन रूम में जाता हूँ जो हमारा रूम है, वहीं आमिर लियाकत साहब होते थे उस रूम में, आज भी मुझे ऐसी वाइब्स आती हैं कि शायद वो रूहानी, अल्लाह के हुक्म से वो रूहानी शिरकत करें, या उनकी रूह जो है वो आए यहाँ पर, देखे कि हम उस ट्रांसमिशन को कंडक्ट कर रहे हैं, और वो मुझे बड़ा प्यार करते थे, बड़ा अप्रिशिएट करते थे, है ना, आपने तो देखा। तो बस हम दुआ करते हैं कि आज जुम्मे का रोज़ है, रमज़ान भी, अल्लाह उनके तमाम जितने भी उन्होंने नेक आमाल किए हैं उसका बेहतरीन अज्र उनको अता फरमाए। तो नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद जमील साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, एक बड़ी खूबसूरत शख्सियत है, और बड़ी खूबसूरत जैसे दिखते हैं वैसे बोलते भी हैं, और उतनी ही खूबसूरती से जो वज़ाइफ हैं उसके ज़रिए हमारी और आपकी मुश्किल हल करते हैं, जो कुरानी वज़ाइफ होते हैं, और वो वज़ाइफ ये बयान फरमाते हैं जो अल्लाह ने कुरान में बताए हैं, जो हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं कि कुरान में कौन सी सूरा पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा। तो आज़ाद जमील साहब आपको बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं, आप हमारे ट्रांसमिशन में दोबारा आज तशरीफ लाए, जुम्मा आपको बहुत बहुत, आपको भी बहुत। अच्छा नाज़रीन, कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं आज़ाद जमील साहब से वजीफे पूछने के लिए, स्क्रीन पर नंबर दिए हैं, हम आज़ाद जमील साहब की तरफ तो चलेंगे।
आपसे इल्म ज़रूर हासिल करेंगे, लेकिन चूंकि आप एक आलिम हैं और ये सारे तालिबे इल्म हैं जो प्यारा इल्म का सेगमेंट हम करने लगे हैं, अगर आप इजाज़त दें तो यहाँ से हम शुरू करें ताकि उसके बाद भी वापस तरफ आएँ। आपका बैठना इनके लिए हौसला अफजाई का सबब है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। नाज़रीन, अब वक्त हुआ है क्विज सेगमेंट का जिसका नाम है प्यारा इल्म, और ये हमारी 16 दिन ये मुकाबला चलेगा क्विज का, और उसके बाद फिर हमारी 8 टीम रह जाएंगी, फिर 4 टीम रह जाएंगी, और 2 टीम्स के दरमियान होगा ग्रैंड फिनाले। तो हम अपनी टीम्स का तारुफ कराते चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं टीम ए में आइना जहरा और सैयद बिलाल रज़ा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जुम्मा मुबारक हो आपको बहुत बहुत। टीम बी में हमारे साथ मौजूद है हम्माद तारिक और अदील खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, आपको जुम्मा बहुत मुबारक हो, रमज़ान भी मुबारक हो। और टीम सी में हमारे साथ मौजूद हैं सैयदा इकरा और सैयद हसीब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक है। आपको थोड़ा सा बताता चलूँ, रोज़ हम रिवाइज़ कर लेते हैं इस बात को कि हम पहले राउंड में करेंगे, आपसे सवाल करेंगे और हर सवाल के 10 नंबर होंगे। दूसरा राउंड जो ये हम हर टीम से अलग अलग सवाल करेंगे, दूसरा राउंड होगा बजर राउंड। बजर राउंड में होगा क्या कि हम स्क्रीन पे आपको कुछ दिखाएंगे, कुछ शख्सियात की तस्वीरें दिखाएंगे, और फिर आपने जवाब देना है बजर दबा कर। जिसने पहले बजर दबाया उसको जवाब देने का मौका दिया जाएगा। और इसमें लेकिन एक चीज़ होगी, अगर आपने सही जवाब दिया तो +10, अगर गलत जवाब दिया तो -10, वरना आप स्टेबल ही रहेंगे। लेकिन एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो मैं बजर राउंड में बताना चाहता हूँ, जो पिछले राउंड में ऐसा हुआ, मिसाल के तौर पर अगर हम कायदे आज़म की तस्वीर दिखा देते हैं तो आप बजर दबा देते हैं कि शायद मैं पूछूंगा तस्वीर में दिखाने वाली शख्सियत कौन है, लेकिन हो सकता है मैं ये भी पूछूं कि ये जो शख्सियत हैं ये हैं कौन और पैदा कब हुए, तो लिहाजा आपने दूसरा सवाल नहीं सुना और आपने पहले ही बजर दबा दिया। तो बजर दबाने से पहले और कोशिश करें पहला सवाल आप सुन लें, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपने बजर दबा भी दिया तो फिर अगर आप अपने दूसरे सवाल का सही जवाब नहीं दिया, जो 2 सवाल एक साथ होंगे, तो आपका जवाब गलत माना जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तीसरा राउंड होगा हमारा रैपिड फायर। रैपिड फायर में होगा आपको 1 मिनट दिया जाएगा ए बी सी टीम को अलग अलग, और उस 1 मिनट में तेज़ी तेज़ी से मैं सवाल करूंगा, उसमें मैं ऑप्शंस दूंगा जवाब के, जिसने जितने ज़्यादा जवाब दे दिए उसके उतने नंबर्स। स्टार्ट करें, तैयार हैं टीम ए? टीम ए से पहला सवाल है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम क्या था? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही जवाब। किसके साथ हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम का पहला सफर किया? गुलाम का नाम नहीं, किसके साथ हजरत मोहम्मद मुस्तफा, वो कौन सी शख्सियत है जिसके साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम का पहला सफर किया, यानी शाम मुल्क, शाम या सीरिया? हजरत अबू बकर। गलत जवाब, हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम। उस जगह का नाम बताइए जहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी जौजा मोहतरमा बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम कई सालों की मुसाफत तय करने के बाद मिले थे। हम हज करने जाते हैं तो उस मकाम पर जाते हैं, पास करते हैं। अगला सवाल, गवादर पोर्ट किस सूबे में वाकई है? बलूचिस्तान। बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है, किस पाकिस्तानी खिलाड़ी को रन्स बनाने की मशीन कहा जाता है? बाबर आजम। गलत जवाब, जहीर अब्बास साहब। टीम बी से पहला सवाल, इस्लामी कैलेंडर का तीसरा महीना क्या कहलाता है? रबीउल अव्वल। बिल्कुल सही जवाब। माल की वो कम से कम मिकदार जिस पर अल्लाह ने जकात को फर्ज करार दिया है वो क्या कहलाती है? ढाई फीसद। ना, वो कहलाता क्या है, वो फर्ज जो है? मैं सवाल दोबारा रिपीट करता हूँ, माल की वो कम से कम मिकदार जिसमें अल्लाह ताला ने जकात फर्ज की है क्या कहलाता है? सात तोला चांदी या फिर पास करते हैं, निसाब कहलाता है। वाकये फील के वक्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम ने अब्रहा से निजात के लिए दुआ कहाँ मांगी थी, कौन सा मकाम था? मक्का मुकरमा। गलत जवाब, गारे हिरा था। पाकिस्तान का शहर पाक पतन किस मशहूर हस्ती की वजह से मशहूर है? बाबा बुल्ले शाह। गलत जवाब, बाबा फरीद गंज शकरगंज, बाबा
गुलाम फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह की वजह से। कायदे आजम के इंतकाल के बाद गवर्नर जनरल का ओहदा किसने संभाला? ख्वाजा निजामुद्दीन। नाजिमुद्दीन। ख्वाजा नाजिमुद्दीन। नाजिमुद्दीन। चलें जवाब सही मान लेते हैं। टीम सी से पहला सवाल, रोजे को अरबी में क्या कहा जाता है? सोम। बिल्कुल सही जवाब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने आमद पर हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो के घर कितने दिन क़याम फरमाया? ऑप्शन देंगे? नहीं, ऑप्शन नहीं है। चले बताओ, दिन नहीं महीने कह लें, कितने महीने? 3 महीने। गलत जवाब, 7 महीने। हज़रत अली अलैहि सलाम की तलवार का क्या नाम है? ज़ुल्नूरैन। ज़ुल्फ़िकार। ज़ुल्फ़िकार। ज़ुल्फ़िकार नहीं, आपने गलत जवाब दिया, ज़ुल्फ़िकार सही जवाब है। चौथा सवाल है, सैमसंग किस मुल्क की कंपनी है? जनूबी कोरिया। बिल्कुल सही जवाब। पांचवा सवाल है, पाकिस्तान के लुगवी मायने क्या हैं? पंजाब के लुगवी मायने क्या हैं? पंजाब के लुगवी मायने। पांच दरियाएं ना। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। दूसरे राउंड की तरफ हम चलते हैं। दूसरा राउंड है हमारा बजर राउंड। मैं आपको बता चुका हूं कि स्क्रीन पर आपको तस्वीर दिखाई जाएगी, लेकिन पहले पूरा सवाल सुन लेना है, गौर से सुनना है, और उसके बाद फिर आपको जवाब देना है। अच्छा जनाब, अब जी तस्वीर देखिए। अब पहले पूरा सवाल गौर से सुनिएगा, ये जो तस्वीर दिखाई गई है, ये शख्सियत कौन सी हैं और ये किस वजह से मशहूर हैं? बजर दबाएंगे तो जवाब दीजिएगा जी। अगर आप इनको नहीं जानते तो आप पाकिस्तान में नहीं रहते। मैं जवाब देता हूं, ये पाकिस्तान की आन शान डॉक्टर अदीब रिजवी साहब हैं, जो किडनी ट्रांसप्लांट की वजह से मशहूर हैं। ठीक है, चलिए अगली तस्वीर आप दिखाइए। अगली तस्वीर जो आपको दिखाई जा रही है जी, किसने दबाया बजर? किसने? बी ने। अच्छा, अब आपने जवाब भी सही देना है। ये कौन शख्सियत है और ये पीसीबी चेयरमैन के अलावा भी किस ओहदे पर फाइज रह चुके हैं? नजम सेठी नाम है इनका। ये जर्नलिस्ट भी हैं जी? जर्नलिस्ट भी हैं। नहीं, केयर टेकर ऑफ फेडरल मिनिस्टर, केयर टेकर ऑफ फेडरल मिनिस्टर ऑफ पंजाब के ओहदे पर फाइज रह चुके हैं। सवाल मेरा था किस ओहदे पर फाइज रह चुके हैं। जर्नलिस्ट तो हैं, बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन जो मेन इनकी ओहदा था वो ये था। तीसरी तस्वीर दिखाइए, तीसरी तस्वीर जो स्क्रीन पर दिखाई जा रही, कौन है ये? टीम ए, अब्दुल सत्तारी। बिल्कुल सही जवाब। उन मशहूर जर्नलिस्ट का नाम बताइए और उनका कोई मशहूर शो बताइए जिनकी तस्वीर दिखाई जा रही है जी। टीम बी, आफ्ताब इकबाल, खबरनाक। बिल्कुल सही जवाब। अब जो तस्वीर आपको दिखाई जा रही है, तस्वीर में देखे जाने वाले साहब कौन है और इनका ताल्लुक किस शोबे से है? टीम ए, जी इसे ये लॉयर हैं। नाम क्या है इनका? जी टीम बी, एतजाज एहसन। एतजाज एहसन, बिल्कुल सही जवाब। चलें अब हम रैपिड फायर की तरफ चलते हैं। ये वाला जरा थोड़ा नॉर्मल रहा है, रैपिड फायर है, 1 मिनट दिया जाएगा और तेज से सवाल किए जाएंगे, तेज से आपने जवाब देना। टीम ए से पहला सवाल, असाबे कैफ 300 साल बगैर खुराक के गार में सोए रहे, वो क्या थे? नबी थे या औलिया? नबी। गलत जवाब, वो औलिया थे। अबू बशर, अबुल बशर कौन से पैगंबर को कहा जाता है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम या हजरत आदम अलैहिस्सलाम? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही जवाब। मक्की सूरतों में जकात का लफ्ज कितनी बार इस्तेमाल हुआ है, 19 बार या 22 बार? 22। बिल्कुल सही जवाब। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली वही, कुरान की पहली आयत नाजिल जो हुई वो किस उम्र में हुई, 40 साल की उम्र में या 45 साल की उम्र? 40 साल। बिल्कुल सही जवाब। पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर कौन सा मुल्क है, चाइना या UAE? चाइना। बिल्कुल सही जवाब। थर कोल फील्ड में कोयले की वसी जखायर मौजूद होते हैं, ये सूबे सिंध के किस जिले में वाक़ है, जैकबाबाद में या थरपारकर में? थरपारकर। बिल्कुल सही जवाब। पाकिस्तान और भारत के दरमियान लियाकत नेहरू मुआहिदा कब हुआ, 1992 या 1950? 1950। बिल्कुल सही जवाब। 1965 की जंग के वक्त पाकिस्तान आर्मी का चीफ इन कमांड कौन था, जनरल मोहम्मद अयूब खान? जनरल मोहम्मद अयूब खान। टाइम अप हो गया।
सवाल के दौरान टाइम अप हो गया तो लेकिन हम जवाब ले लेते हैं, जनरल मोहम्मद अयूब खान या जनरल मोहम्मद मूसा खान? जनरल मोहम्मद अयूब खान। गलत जवाब, जनरल मोहम्मद मूसा खान इसका सही जवाब है। टीम बी की तरफ चलते हैं, रैपिड फायर का पहला सवाल, अमेरिका की कौन सी रियासत रूस के साथ समंदरी सरहद रखती है, फ्लोरिडा या अलास्का? अलास्का। बिल्कुल सही जवाब। कौन सा मुल्क दावा करता है कि वो ताइवान उनकी सरजमीन का हिस्सा है, जापान या चीन? जापान। गलत जवाब, चीन ये दावा करता है। आयतुल कुर्सी कुरान मजीद में किस सूरा में है, सूरह निसा या सूरह बकरा? सूरह बकरा। बिल्कुल सही जवाब। कुरान पाक की कौन सी सूरा दो फलों के नाम से शुरू होती है, सूरह तीन या सूरह हूद? सूरह तीन। बिल्कुल सही जवाब। कुरान पाक की कितनी सूरतें लफ्ज कुल से शुरू होती हैं, पांच या छह? बिल्कुल सही जवाब। इस्लामी कैलेंडर में माह रजब का नंबर क्या है, पांचवा या छठा, पांचवा या सातवा? सातवां। बिल्कुल सही जवाब। वो कौन सी जगह है जब तक ना जाएं हज मुकम्मल नहीं होता, मिना या अरफात? अरफात। बिल्कुल सही जवाब। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र क्या थी जब आपको उनके भाइयों ने कुएं में फेंक दिया था, 10 या 15? 10। गलत जवाब, 15। इस खातून का नाम, उन खातून का नाम बताइए जिसके बाप, शौहर, भाई और बेटे सब नबी थे, लिया बिन्त याकूब या हजरत मरियम? हजरत मरियम। लिया, लिया बिन्त मालूम। नहीं, आपने पहले गलत जवाब दिया था। चलिए टीम सी की तरफ चलते हैं, टाइम अप हो गया आपका। टीम सी, आपका टाइम शुरू होता है अब। 22 अप्रैल को बैनुल अक्वामी सतह पर कौन सा दिन मनाया जाता है, जमीन का दिन या इंसानी हुकूक का दिन? इंसानी हुकूक का दिन। नहीं, गलत जवाब है, जमीन का दिन मनाया जाता है। उस इस वक्त कितने ममालिक अक्वामे मुत्तहिदा के रुकन हैं, 190 या 193? 193 या 190? 193। बिल्कुल सही जवाब। कोलोराडो किस मुल्क में है, कनाडा या यूएसए? यूएसए। बिल्कुल सही जवाब। अच्छा जनाब, सबसे कम उम्र नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने किस साल में नोबेल इनाम जीता, 2013 या 2014? 2013। गलत जवाब, 2014 में। कुरान करीम में कौन सी पहली मुकम्मल सूरा नाजिल हुई, सूरह फातिहा या सूरह मुजम्मिल? सूरह फातिहा। बिल्कुल सही जवाब। सूरह आले इमरान में किस मशहूर गजवा का जिक्र है, गजवा बदर या गजवा ओहद? गजवा बदर। गलत जवाब, गजवा ओहद का। किस शहर को हजार मीनारों का शहर भी कहा जाता है, इस्तांबुल या काहिरा? इस्तांबुल। गलत जवाब, काहिरा। तो नाज़रीन, ये हुआ सेगमेंट कंप्लीट और हम चलते हैं एक ब्रेक की जानिब। ब्रेक से आकर बताएंगे कि कौन सी टीम विनर है। आप देखते रहिए प्यारा रमजान। स्क्रीन पर नंबर दिए जा रहे हैं, वज़ाइफ के लिए आप अभी से कॉल कर सकते हैं। मौलाना आज़ाद जमील साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। आते हैं छोटे से वक्फे के बाद, देखते रहिए प्यारा रमजान। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्यारा रमज़ान। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। और अभी प्यारा इल्म सेगमेंट ब्रेक से पहले अब चल रहा था, अब उसका हम रिज़ल्ट अनाउंस करने जा रहे हैं। टीम ए, टीम बी और टीम सी में कौन लोग विनर है, कौन सी टीम विनर है। लेकिन मैं आपको सबको अप्रिशिएट भी करूँगा कि आपने बहुत अच्छा मुकाबला खेला, उसमें से ज़ाहिर हार जीत तो खेल का हिस्सा ही होती है। लेकिन एक चीज़ पर मुझे बड़ा अफसोस है कि जो डॉक्टर अदीब रिजवी साहब, पाकिस्तान का इतना बड़ा नाम, और तीनों टीम में से आप लोगों ने किसी ने ये जवाब नहीं दिया ये शख्सियत कौन से। हमें अपने कौम के मोहसिनों को नहीं भूलना चाहिए और हमें याद रखना चाहिए हमें, बल्कि आप जैसे तालिबे इल्म, आप जैसे जवानों को तो दुनिया को बताना चाहिए कि हमें फ़ख्र है डॉक्टर अदीब रिजवी साहब पर। बहरहाल हो जाता है कभी कभी। लेकिन हम टीम का अनाउंस करते हैं कि टीम ए ने जो नंबर हासिल किए हैं वो हैं 80 नंबर, 80, और टीम बी का स्कोर है 90 और टीम सी का स्कोर है 60। तो टीम बी आज की विनर है। आप जो विनर्स हैं उन सब, जो आपकी तमाम टीम्स जो है उनको जाएगा पामोलिव नेचुरल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर, तिफल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। कि तिफल ये वाहिद कंपनी है कि जो ISO सर्टिफाइड डायपर्स बनाती है। और इसके साथ साथ आपको जाएंगे एक्सप्रेस की तरफ से कुछ गिफ्ट वाउचर्स। लेकिन जो टीम, जो विनर टीम है, उसको वो सोच रही होगी कि जब सबको मिल रहा है तो हमें अकेले क्या मिल रहा है, अलग से क्या मिल रहा है। तो आपको मिल रहा है वाइल्ड वेंचर की जानिब से
ये मिलेगा आपको एक साल का मेंबरशिप, और ये इसकी मालियत होती तकरीबन 1,00,000 रुपए, ये आपके लिए जाएगा। ये गिफ्ट हैम्पर्स आपके साथ जाएंगे। अच्छा, ये सारे गिफ्ट हैम्पर टीम को मिलेंगे, लेकिन एक्सप्रेस ने आपके लिए एक अच्छा काम ये किया है कि एक्सप्रेस हर टीम के हर पार्टिसिपेंट को वाउचर देंगे। ये आप सबके वाउचर्स हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और दुआ है कि अल्लाह आपको वो मकाम दे कि आप पाकिस्तान का मजीद नाम रोशन कर सकें। थैंक यू, थैंक यू, आपको बहुत एक बार फिर आपको जुमा मुबारक हो सैन भाई जी। कलाम ज़रूर, बल्कि अब एक कलाम के चंद अशार में पेश करता हूँ, उसके बाद फिर वज़ाइफ की तरफ जाएंगे, क्योंकि अब जुम्मा है और जुम्मे की खुशियाँ तो हैं, लेकिन अब जुम्मा आहिस्ता आहिस्ता वापस जा रहा है, तो दिल फिर एक मगमूम हो रहा है, तो उस वाले से एक कलाम के चंद अशार पेश कर रहा हूँ। सरे में करूं 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 इतना मेरे सरकार हो जाए, सरे में जाने कौन सी शै में तेरा दीदार हो जाए। शेर मेरे दिल बड़ा करीब है कि गुलामी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज़ाद जमील साहब, आप तशरीफ़ लाते हैं और काफ़ी लोगों की मुश्किलात हल होती हैं वज़ाइफ के ज़रिए से। एक पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा जो हमें कमेंट्स में और मैसेजेस में लोगों ने किए हैं, ताकि उसके बाद फिर कॉल्स भी आप कर सकते हैं जो नाज़रीन इस वक्त स्क्रीन देख रहे हैं, नंबर दिए हुए हैं और कॉल पे आप वज़ाइफ के बारे में पूछ सकते हैं। एक सवाल अक्सर ये किया जाता है, जैसे आपने बताया कि दुरूद पाक इतनी बार पढ़ने के बाद, मिसाल के तौर पर आपने ये 10 बार इस विर्द को करना है और उसके बाद फिर दुरूद पाक पढ़ना है। अच्छा, वो स्पेसिफिक जो 10 बार आपने बोला है, वो अगर वो 11 बार या 9 बार भी पढ़ें तो क्या वो वजीफे में वो असर रहता है या इसमें असर नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरहान भाई, बहुत अच्छा सवाल है और ये सवाल अमूमन नाज़रीन करते हैं जी, लेकिन बस अवकात उन्हें तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिल पाता।
तो जो ये वज़ाइफ हैं जिनके अदद के एतबार से यूँ कहा जाता है कि आप 11 दफ़ा 333 दफ़ा 100 दफ़ा या फिर 333 दफ़ा, तो इसमें ये जो अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ कहा जाता है, तो अगर अदद के एतबार से वो वजीफ़ा मुजर्रब है कि इतनी दफ़ा आपने पढ़ा है और वो मुजर्रब हुआ है, तो अगर उसमें कोई ख़ता हो जाती है पढ़ने में भी, सिर्फ अदद में नहीं, पढ़ने में भी, अल्फाज में भी, ज़ेर ज़बर में भी, चूँकि एक लफ्ज़ भी, अब कल्ब दिल को कहते हैं, कल्ब आपको पता है वो माना तब्दील हो जाता है, तो इसी तरह अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ने से जो अदद की मकदार में अगर कमी वाकई हो जाती है तो असर उल्टा नहीं होगा, यानी जो असर है वो गलत नहीं होगा। और ये जो अदद दी जाती है नहीं, गलत तो नहीं होगा, क्या वो अपना असर रखेगा? असर जरूर होगा, देखिए जितना किया उतना असर, जितना उन्होंने पढ़ा, जिस तरह से पढ़ा और फिर जो उनको बताया गया, अब जैसे कि ये जो कहाँ से इसकी रवायात मिली है वो मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ 5-10 सेकंड के अंदर। जैसे कि हजरत यूनुस अलैहि सलाम आयत करीमा वहाँ से कि मुश्किल वक्त में ये पढ़नी है, बारिश के वक्त ये पढ़नी है, और तकलीफ़ हो, जिलजिला हो तो ये पढ़ना है, बुखार के वक्त ये है, नज़र लग जाए तो ये है, तो इसमें मुख्तलिफ अंबिया की और फिर कुरान में मुख्तलिफ मुतादिद आयतों में अल्लाह का ये हुक्म है कि 70 दफ़ा, तो ये जो आदत है कुरान से भी इसकी ये रिवायत मिलती है और फिर अल्लाह के नबी ने भी यानी मुतादिद अहादीस में रिवायतों से यानी वारद है कि आपने अदद को, जैसे कि हज़रत फातिमा तुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आई और आपने अस्कार दिए कि 33 दफ़ा सुभान अल्लाह, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह और फिर 34 दफ़ा अल्लाह अकबर, यानी एक अदद ज्यादा कर दिया। तो ये है अगर कोई मुगालते में आगे पीछे हो जाए तो चूंकि ये तस्बीहात कोशिश करनी चाहिए कि जो जितनी क्वान्टिटी बताई गई है कितना पे हो, और अच्छा कुछ लोग ज्यादा भी करते हैं। जी जी, एक कॉल ले लें ताकि आसानी हो जाए और मजीद समझने में। एक कॉल हम लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है और कहां से बात कर रहे हैं? हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बहन कहां से बात कर रही हैं और कौन बोल रही हैं? मैं किश्वर बात कर रही हूं हैदराबाद से। जी किश्वर, बताइए क्या पूछना चाहेंगी? जी मैं मौलाना साहब से पूछना चाहूंगी कि मेरी बड़ी बहन है और उनकी 2 बार मंगनी हो चुकी है लेकिन वो दोनों बार टूट गई है, तो हम बहुत परेशान हैं, तो अगर उसके लिए वो कोई वजीफा बता दें। जी, इनकी बहन है, उनकी मंगनी 2 बार हो चुकी है और 2 बार मंगनी टूट चुकी है, तो कोई ऐसा वसीफा बताइए कि अब जब उनका रिश्ता हो तो वो फिर मजबूत रिश्ता कायम और घर आबाद हो सके। जी, अव्वल व आखिर 11 दफ़ा दुरूद शरीफ के साथ मैं यतकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखराजा, ये कल भी बताया था हमने, बिलखुसूस रिश्तों के जोड़ के लिए मुजर्रब अमल। बिल्कुल सही जवाब। अगली कॉल हम लेते हैं जी, अगली कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रही हैं, कहां से बोल रही हैं? जी मैं आमना सीना बात कर रही हूं सियालकोट से। भाई आप कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक बहन, आप कैसी हैं? ठीक हैं अल्लाह पाक का शुक्र। भाई आप बहुत ज्यादा अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आप बेस्ट हैं, आप बहुत अच्छे हैं। जी बहन बहुत बहुत शुक्रिया। कोई वजीफे के हवाले से डॉक्टर आज़ाद जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कोई सवाल करना चाहेंगी तो जरूर बताइए। जी वो ये बता दें कि बंदा नजरे बद से कैसे महफूज रह सकता है? बंदा नजरे बद से कैसे महफूज रह सकता है? अच्छा, नजरे बद के लिए जो मौज़तैन हैं, जो आखिरी 3 सूरतें हैं, कुल औज़ु बिरबिल फलक, नास और सूरह इखलास, 11-11 दफ़ा अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के अपने आप पर दम करें, इंशाल्लाह इफाका होगा। ठीक है, 11-11 मरतबा पढ़े। जी अगली कॉल हमारे पास मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सायरा बात कर रही हूँ तरागंज से। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रही हैं? वालेकुम अस्सलाम, सायरा बात कर रही हूँ तरागंज से। जी तरागंज से बात कर रही हूँ, कैसी है बहन आप? ठीक हैं? ठीक फैन भाई, मैं आपकी बहुत फैन हूँ। बहुत शुक्रिया, आपसे एक कलाम की फरमाइश करनी है। जी बेटा बोलिए। अच्छा बेटा मैं जरूर पढ़ूंगा, आज तो अभी वज़ाइफ का सेगमेंट चल रहा है, अगर अभी ट्रांसमिशन में टाइम मिला तो मैं जरूर पढ़ूंगा, वरना मैं किसी दिन जरूर पढ़ दूंगा। ठीक है, कोई वज़ाइफ के वाले से बताइए, वज़ाइफ के वाले से कोई सवाल करने के लिए। जी इम्तिहान में पास होने के लिए, इम्तिहान में पास होने के लिए मौलाना साहब कोई वजीफा बताइए। अच्छा, इम्तिहान जब भी अपनी किताबों को खोलें, जब भी किताबों को खोलें तो सूरह अलम नशरह 11 दफ़ा अव्वल व आखिर एक एक दफ़ा दुरूद शरीफ के साथ पढ़ लें तो इंशाल्लाह पास होंगे।
बहुत अच्छी बात जी। नाजरीन अगली कॉलम लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप, कहाँ से बोल रही हैं और कौन बोल रही हैं? जी मैं अल्लाह का शुक्र कसवाल से बोल रही हूँ, मेरा नाम सईदा है। जी फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगी मौलाना आजाद जमील साहब से? मैंने ये सवाल है कि मैं अपने मतलब के भाई के रिश्ते के बारे में पूछना है। यानी उनका रिश्ता हो जाए, ये आपने पूछना है सवाल से कि? जी हो जाए कहीं, मतलब तो बहन और भाइयों का वो घर भी उनके उनको मसले चाह रहे हैं, वो अपने घर मतलब कि ठीक हो जाएं। अच्छा मैं समझ गया, वो चाह रही है उनके भाई के घर में मसले चल रहे हैं और उनके जो भी मसाइल हैं घरेलू मसाइल, जैसे घर में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, नाचाकियाँ नाराज़गियाँ हो जाती हैं, इससे कैसे बचा जाए, कोई वजीफा बताएं। जी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में दाखिल हुए तो आपने फरमाया कि ए आले अब्दुल मुत्तलिब, अगर तुम्हें कोई परेशानी मुसीबत आफत घेरे और उससे तुम निकलना चाहो तो ये चंद आयात और कलिमात कह दें, अल्लाह तुम्हें निकाल देगा। और आपने चौकट यूँ पकड़ के अपने आल के लिए, ये अपने आल के लिए कहा, फिर इसकी इजाज़त पूरी उम्मत को दी और आपने फरमाया अल्लाहु अल्लाहु रब्बुना ला नुशरिक बिही शैया, अल्लाहु अल्लाहु रब्बुना ला नुशरिक बिही शैया। जो भी इन आयत का विर्द करेगा इंशाल्लाह उनके कितनी बार से, ये वैसे विर्द करते रहना, आप कसरत के साथ विर्द करें और इसी तरह दरवाजे को पकड़ अगर पकड़ लें तो अल्लाह के नबी की सुन्नत भी मुकम्मल हो जाएगी। घर में दाखिल होने के बाद घर कमरा दहलीज कोई भी जगह हो तो चौकट पे हाथ पकड़ के अल्लाह अल्लाह रब्बुना ला नुशरिक बिही शैया, तो आप ने फरमाया ए आल अब्दुल मुत्तलिब, अपने आल को मुखातिब करते हुए फरमाया कि जो भी ये जिक्र करेगा उसके घरों से गमों का परेशानियों का सफाया हो जाए। वाह वाह क्या बात है मौलाना आजाद जमील साहब, कमाल हो गया आज। आज बहुत सारे लोगों की हमने कॉल ली और आपने कितनी जल्दी लोगों के मसाइल को हल किया, अल्लाह आपको इसका जजाए खैर दे। एक मुख्तसर से वक्फे के बाद आते हैं, नाजरीन देखते रहिए प्यारा रमज़ान, और सबसे बड़ा वजीफा जो हम सबको करते रहना चाहिए वो है दुरूद पाक की तिलावत, करते रहें इंशाअल्लाह आपकी सारी मुश्किलात हल। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول
حي على الفلاح والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اے الله اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز کے رب تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے اور ہمیں کل قیامت کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرمند فرما بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا آمین السلام علیکم ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پیارا رمضان اور پیارا پیارا دسترخوان آپ سب کے گھر میں سج چکا ہے اور آپ یقیناً افطار میں مصروف ہوں گے یاد رکھیے گا ہمیں دعاؤں میں یہ نہ ہو کہ آپ ہمیں دعاؤں میں بھول جائیں کیونکہ رمضان بھی ہے اور آج جمعے کا روز بھی ہے اور آج جمعے کے روز ہم آپ کو ایک اور خوشخبری دیتے ہیں کہ ماشاء اللہ آپ سب نے ہماری ٹرانسمیشن کو اتنا پسند کیا ہے اور اتنی آپ لوگوں نے دعائیں دی ہیں کہ ہماری جو ٹیم ہے اور جو ہمارے جو چینل کے مالکان ہیں انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اب سے ہم دوپہر کو 3:30 بجے نہیں بلکہ روز 3 بجے آیا کریں گے اور ہم نے آدھا گھنٹہ یہ ٹائم اور بڑھا دیا ہے کل سے 3 بجے ہم لائیو آئیں گے تاکہ ہم مزید آپ کے سامنے کچھ اچھی چیزیں پیش کر سکیں اور آپ کی دعائیں سمیٹ سکیں دعاؤں کا وقت ہے اور کہتے ہیں کہ دسترخوان پر بیٹھ کر دعا کرنے سے دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور پھر ہمارے پاس تو ایک بہت ہی پیاری اور بڑی ننی سی روزے دار موجود ہیں جن کا آج روزہ ہے دعا السلام علیکم دعا وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ میں ٹھیک ہوں بالکل ٹھیک ہے آج آپ کا پہلا روزہ تھا یس یہ بتائیے روزہ کیسا گزرا آپ بہت اچھا بہت اچھا بھوک لگی زیادہ یا پیاس لگی پیاس پھر کیا کیا اچھا صبر کیا اچھی بات ہے یہی بات ہے کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے اور ہمیں پیاس لگے تو بھی درود پڑھنا چاہیے بھوک لگے تو بھی درود پڑھنا چاہیے کیونکہ درود پڑھنے سے ہمارے اندر انرجی آتی ہے درود پاک پڑھنے سے تو آپ کا یہ جو پہلا روزہ ہے بہت بہت مبارک کیوں میم میرے پاس دعا کے لیے ایک گفٹ بھی ہے کیونکہ ان کا پہلا روزہ ہے ارے واہ بھائی واہ کیا بات اچھا یہ تو ایک چھوٹا سا گفٹ ہے ہاں جی بہت سارے گفٹ تو آپ کو اللہ کی طرف سے ملیں گے اور جس کو ہم کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے اور کس نے کہا تھا روزہ رکھنے کے لیے پہلا ممی نے کہا تھا بابا نے کہا تھا یا خود شوق تھا خود شوق تھا یہ بات ایسے ہی شوق ہونا چاہیے یہی شوق رہیں گے تو مولانا صاحب کیا کہتے ہیں ہمارے بچوں میں اگر یہی جذبہ رہے گا تو انشاءاللہ پھر ایک وقت آئے گا کہ ہم اس موڑ پہ کھڑے ہوں گے جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود کہیں گے یہ مجھے فخر ہے کہ میرا امتی کیا بات ہے فرحان بھائی اس طرح کوئی بچہ یا بچی روزہ رکھ لیتی ہے جی تو پورا دن
माँ बाप बड़ी शफकत की निगाहों से देख रहे होते हैं। हाँ। तो ये देखे 70 माँओं से ज्यादा। अरे क्या बात, वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात की मौला साहब। मैं इसीलिए तो कहता हूँ जितने खूबसूरत आप हैं उतनी खूबसूरत आप बातें भी करते हैं। खुदा आपके आपके हुस्न बयान में भी और तासीर अता फरमाए। हुसैन भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उरूज आपका बहुत शुक्रिया, महम आपका शुक्रिया, डॉक्टर हिना आपका शुक्रिया, और स्पेशली दुआ आपका शुक्रिया कि आपने हमारे दरमियान रहकर पहला रोज़ा इफ्तार किया। और यकीनन इस पहले रोज़े के सवाब में हम भी कहीं ना कहीं शामिल होंगे, तो आप हमारे लिए भी अल्लाह से दुआ कीजिएगा और एक्सप्रेस टीम की सारी टीम के लिए आपने दुआ करनी है। और इस सारे सेगमेंट को सजाने में किसी एक शख्सियत का किरदार नहीं होता, यहाँ पर हर शख्स अपने अपने अंदाज से काम कर रहा है और वो अपनी अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारी पूरी टीम के लिए दुआ करें, क्योंकि ये टीम वर्क है। अगर टीम वर्क नहीं, आप जो हमें दुआएं देते हैं, प्यार करते हैं कि आप कहते हैं फरहान भाई आपकी ट्रांसमिशन बहुत अच्छी है, तो इसके पीछे मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हमारे साथ एक्सप्रेस की टीम है और इनसे मुझे इतना प्यार मिला है वो कि मैं इस एक्सप्रेस टीवी पर पहले एज अ मेहमान आता था, लेकिन मेज़बान होने की हैसियत से मैं पहली बार हाजिर हुआ हूँ, तो मुझे जितना प्यार इनसे मिला है तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिस खूबसूरती से एक्सप्रेस के जो हमारे एक्सप्रेस टीवी के मालिक हैं सुल्तान लखानी साहब, लखानी साहब आपको लाखों दुआएं, और हमारी टीम के प्रोड्यूसर डायरेक्टर और टीम के एक एक शख्स जो कैमरामैन हैं और जो हमारा फ्लोर को साफ करते हैं, जो हमारे किचन में हेल्पर होते हैं, जो हमारे डेकोरेशन और हमारे सेट को बनाने वाले हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इन सबको आप दुआ में याद रखें, कल 3 बजे, 3:30 बजे नहीं, 3 बजे हाजिर होंगे एक्सप्रेस टीवी पर। देखते रहिए प्यारा रमजान।